सो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है एक और नए GTA 5 की वीडियो में। तो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्रांड न्यू एपिसोड के अंदर। सो गाइस, आप सभी के सामने एक ये तगड़ा सा प्लेन मतलब देख ही पा रहे हो आप सभी। एंड लास्ट वीडियो में भी आप सभी ने देखा होगा एंडिंग में, जिसने लास्ट तक वीडियो देखी है ना, उन लोगों ने गाइस प्लेन को देखा ही होगा कि हम इस प्लेन को लेकर यहाँ पर क्यों आ रखे हैं। सो गाइस यार, लास्ट वीडियो जिसने नहीं देखी ना, फटाफट से जाकर ना वीडियो को ना देख लो आप सभी। और जिसने नहीं मतलब जिसने देख रखी है, और उन सभी को मैं एक बार रिकैप भी दे ही देता हूँ, ठीक है। तो फटाफट से ना आपको मैं ये बता देता हूँ कि हम यहाँ पर कैसे आए। सो गाइस, आप सभी को पता होगा कि यार मेरे ऊपर ना ड्रग्स के केसेस लग गए थे, जिस कारण मैं गाइस मैं प्रिजन में पहुँच गया था। एंड गाइस वहाँ से ना मेरे फ्रेंड के बेटे ने गाइस मुझे बचा के निकाल लिया। देन गाइस हमें ना पता करवाना था ये सब कुछ किया किसने, क्योंकि ड्रग्स जो थे ना वो मेरे तो बिल्कुल भी नहीं थे। एंड मुझे पता नहीं था क्योंकि गाइस वो किसने रखवाए मेरे घर के अंदर, ठीक है। तो गाइस वो पता करवाने के लिए ना हमें जब पता लगा यार वो ना वही सिक्योरिटी गार्ड था, मैकेनिक था जिसने हमारी रेंज रोवर ठीक की थी, और वही बंदा हमारे घर के अंदर रख गया। बट मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही थी कि उसने क्यों रखे हैं ऐसे वगैरह, ठीक है। तो इसी चक्कर में ना गाइस हम लोग ना गाइस मतलब उसको ढूंढने निकल गए। तो गाइस अभी ना देखो, हम जब उसको पकड़ने गए ना, तब यार हमें पता लगा कि यार ये सब कुछ ना डगन ने उससे करवाया है। एंड देन गाइस हमें जब पता लगा ना कि डगन की सिक्योरिटी के गाइस आर्मर्ड जो सूट है ना वो इतने खतरनाक हैं कि उनका गाइस गोलियों वगैरह से कुछ भी नहीं बनता है। तो इसीलिए गाइस हमने क्या सोचा ना, हमें कुछ ऐसी तगड़ी चीज़ चाहिए होगी जिससे हम उन सबको ख़त्म कर पाएँ। जो गाइस आप सभी मेरे सामने देख सकते हो कि ये गाइस प्लेन है जो मिसाइल्स हैं, एंड उनका गाइस मिसाइल से ही खात्मा हो सकता है। ऊपर से गाइस अपना जो हेलीकॉप्टर है ना वो आप सभी देख सकते हो, अब दिख नहीं रहा होगा वैसे तो सही बताऊँ तो, बट ये देखो जहाँ पर ये मेरा पॉइंट सा जा रहा है ना, इसी साइड पर आप सभी वो सामने प्लेन देख पा रहे हो ना, वो रहा अपना जैक। एंड उसकी जो मिसाइल्स है ना, एक टाइम पे 6-6 मिसाइल्स फेंकता है भाई साहब, बहुत तगड़ा ही हेलीकॉप्टर है वो, कोई दिक्कत नहीं। अभी ना मैं क्या करता हूँ ना यार, जैक को कॉल दे देते हैं हम लोग, एंड यार अपना ना काम स्टार्ट कर ही देते हैं यहाँ से। तो भाई जैक आवाज़ आ रही है ना मेरी, तो हम क्या करें, तू बता, तू पहले स्टार्टिंग करेगा मैं करूँ। मैं सोच रहा हूँ गाइस जैक को कह देता हूँ, जैक यार तू मिसाइल्स अपनी मारनी स्टार्ट कर इनके यहाँ पर। भाई मैं ना देखता हूँ यहाँ से, और एक सेकेंड क्या मिसाइल्स मारी इसने। अब गाइस मेरी बारी भी यहाँ पर आ चुकी है, लेट्स गो गाइस। अभी ना फटाफट से ना मैं ना मिसाइल्स मारनी यहाँ पर स्टार्ट कर देता हूँ। लेट्स गो यहाँ पर अब मज़ा आएगा ना, चल तेरी। अभी एक सेकंड भाई से वहाँ पर ना गोलियाँ मारनी अभी स्टार्ट हो चुकी हैं। एक सेकंड मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा, और वो देखो कैसे भाग रहे हैं सभी के सभी। ओ भाई ये भी सही है, बट अभी मज़ा आएगा ना जब यहाँ पर मिसाइल्स वगैरह बजेंगी, बहुत गंदी। और एक सेकंड हेलीकॉप्टर से देखा कैसे मिसाइल्स वगैरह निकली। मुझे जितना तक लगता है ना, मुझे थोड़ा सा ना नीचे को लेकर जाना पड़ेगा अपना हेलीकॉप्टर, और प्लेन को, क्योंकि यार ये मतलब थोड़ा दूसरे साहब की चीज़ है ना, ये नॉर्मल हेलीकॉप्टर्स की तरह नहीं है कि ढंग पूरा घूम जाए, पूरा नीचे को हो जाए, इसलिए ये भारी चीज़ है। तो मुझे आराम से अपने एंगल में जाकर ही मिसाइल्स वगैरह को मारना पड़ेगा। एक सेकेंड, ये देखो, ऑलराइट यहाँ पर भाई बंदे कितने सारे हैं, और भाई इनकी मेरी गाड़ियाँ फोड़ दी है, आप सभी देख सकते हो भाई कितनी गोलियों की आवाज़ें आ रही है ना मुझे यहाँ पर। भाई गंदा ही सीन हो चुका है, बट मुझे ना आराम से ना एक एंगल में जाना पड़ेगा जहाँ से मैं ढंग से इन सबको मार पाऊँ, क्योंकि भाई ये कीड़ों की तरह मुझे ऊपर से दिख रहे हैं, कैसे कीड़ियों की तरह का घूम रहे हैं। आप सभी भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप सभी तो एक मतलब कीड़ियों की तरह नहीं लग रहे घूमते हुए। एक सेकेंड यहाँ पर ना थोड़ा बस इधर बने, नहीं 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 नहीं, बट हाँ इतना है कि हमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यार ये जो प्लेन है ना अपना, हाँ प्लेन ही है वैसे तो, ये भाई आर्मर्ड है, तो इससे हमें कोई भी दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। और भाई कितने ही बंदे हैं ऊपर से, गाइस हम लोग ना हेलीकॉप्टर प्लेन से मतलब निकल नहीं सकते, क्यों, क्योंकि गाइस यार आप सबको पता ही है कि ये जो गाइस गन्स वगैरह से तो कोई इनका कुछ भी नहीं होने वाला, इसलिए हमें मुझे गाइस मिसाइल्स ही यूज़ करनी पड़ेंगी। और एक सेकंड मुझे थोड़ा पीछे को जाना पड़ेगा, क्योंकि यार मिसाइल्स वगैरह ना पीछे से ढंग से वर्क करती है, ना कि उनके क्लोज जाकर। ऑलराइट ये देखो कैसे गाइस यार ये लोग, ओके ऑलराइट ये देखो गाइस कैसे कीड़ियों की तरह मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं, बट हमें कुछ भी नहीं होने वाला। देखो गोलियां कैसे बज रही हैं सामने मेरी विंडो पर,
बट मेरी विंडोज गाइस जो, और ये बॉडी जो है ना इसकी, ये आर्मर्ड है, इसी चक्कर में गाइस कुछ भी नहीं होगा इस प्लेन को। और राइट आराम से बस एक मिनट ये चलते मुझे थोड़ा एंगल बनाना पड़ेगा। एक तो ना इसका एंगल बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, उस हेलीकॉप्टर का ईजी है बट वो उस साइड को देख रहा है, मैं जब तक यहाँ पर देख रहा हूँ ठीक है। और राइट ये देखो, एक मिनट चल 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 चल। एक तो ना इसकी मिसाइल भाई निकलने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लेती है, बट जो हेलीकॉप्टर है ना वो भाई एक टाइम पे 6-6 मिसाइल फेंकता है भाई। उसकी मुझे यही खासियत इतनी पसंद है ना कि भाई वो ढंग से वर्क करता है ना। वैसे यार मुझे उसने कहा था कि इसकी जो मिसाइल है ना वो एक ही मिसाइल बहुत होती है 2-3 बंदों के लिए, तो बट सही बताओ ना ये तो भाई काम किया। बस मेरा एंगल सही लग जाए ना फिर तो भाई बंदे वगैरह सही तरीके से मारे जाएंगे। और राइट एक सेकंड और लगता है हेलीकॉप्टर लेकर अपना जैक यहाँ पर आ भी चुका है। और राइट एक सेकंड मैं थोड़ा पीछे अगेन जाऊँ कि ये क्लोज आ चुके हैं मेरे, एंड क्लोज आप सभी को पता है कि मिसाइल वगैरह ना इनको ढंग से रखती नहीं है। और ये देखो मेरे नीचे भी आ रखे हैं, मैं थोड़ा ना भाई दूसरी साइड ही निकल जाऊँ, पता लगे पीछे वाले डोर से आ गएगा अंदर आ गए घुस के। और एक सेकंड ये मिसाइल्स कहाँ से आ रही हैं भाई, ये लोग मिसाइल्स मार रहे हैं क्या? मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, मुझे इतना तक लगता है ना यहाँ पर गए लोग मिसाइल्स मार रहे हैं। और राइट आराम से मुझे देखना पड़ेगा। और एक सेकंड ये मिसाइल्स कौन मार रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर ना इस प्लेन के अंदर ना डिटेक्ट हो रहा है। और एक सेकंड कोई मिसाइल मार रहा था, वो देखो पीछे गई भाई, कोई मिसाइल्स मार रहा है नीचे से इनका सिक्योरिटी गार्ड। मुझे जितना तक लगता है ना ये लोग ना गाइस मिसाइल्स मार रहे हैं। एंड मैं सही बताऊँ ना यहाँ पर मुझे पता नहीं है कि कहाँ से मिसाइल्स आ रही है, एक बार पता लग जाए ना फिर मैं देख पाऊँ। बट पहले ना इन सबको मैं ख़त्म कर दूँ, ये जो बाहर कीड़े कूड़े घूम रहे हैं ना इनको ख़त्म कर दूँ मैं, फिर गाइस मज़ा आएगा। दो मिनट रुको, अरे देखो अभी मिसाइल कहाँ मारनी है, वो कहाँ जा रही, क्योंकि मैं इनके क्लोज आ गया था ना इसीलिए गाइस मिसाइल्स का मतलब जो डिटेक्टर है ना वो ढंग से काम ही नहीं कर रहा यहाँ पर। एक सेकंड मेरे हिसाब से ये वाली मिसाइल काम कर देगी। ओह भाई मारना किसको था, तो मारा कौन गया, और ये भी गया। और एक सेकंड शुक्र है कि मारा ये प्लेन, हम भाई फुली आर्मर्ड है और भाई बुलेट प्रूफ है और मिसाइल्स प्रूफ भी है, इसी जगह इस प्लेन को कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं तो यार वो जो मिसाइल्स आ रही है ना अभी देखो बहुत गंदे वाली मिसाइल्स आ रही है यार। एक सेकंड मैं भाई फिर भी अपना रिस्क ना ही लूँ तो इससे अच्छा तो अच्छा। एक मिनट ओ भाई गंदा ही सीन हो रहा है यहाँ पर, तो यार मुझे नहीं पता ये कहाँ से मिसाइल आ रही, मुझे देखना तो पड़ेगा पास जाकर ही, बट मैं अभी थोड़ा दूर आ चुका हूँ यहाँ से, बट इतना दूर भी हमने जाना नहीं है क्योंकि इस बार गाइस मैं डगन को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने पाता। जिस हिसाब से वो भाग जाता है ना मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। और देखना पड़ेगा मुझे यहाँ पर कि भाई क्या सीन है यहाँ पर। एक सेकेंड ऑलराइट ये देखो, एक सेकेंड आराम से। और एक सेकेंड ये प्लेन कहाँ से आया भाई साहब, ये देखो गाइस कोई आ रहा था गाइस प्लेन के अंदर, और लगता है ये तो सेम टू सेम प्लेन ही लग रहा था वैसे इसकी तरह, बट इसका प्लेन भाई फुली बुलेट प्रूफ मिसाइल प्रूफ नहीं था मेरे हिसाब से, इससे गाइस हमारी एक मिसाइल सही गाइस ये फूट गया। ऊपर से गाइस ये जो प्लेन हम यूज़ कर रहे हैं ना राइट नाउ, ये प्लेन भाई कस्टमाइज़ करवाया गया ठीक है, तो इसी जगह इसके ऊपर तो भाई बहुत ज़्यादा ही काम हो रखा है, तो इसकी मिसाइल्स भी बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, नॉर्मल मिसाइल्स की तरह नहीं है, तो ये चीज़ तो बढ़िया ही है। क्योंकि जिस हिसाब से मुझे जैक और स्कॉर्पियन ने बताया था ना कि भाई जो हमारे हैंगर्स के अंदर प्लेन्स और हेलीकॉप्टर है ना ये सभी के सभी तगड़े से तगड़े हैं, सभी पर बहुत ज़्यादा ही अलग तरीके से काम हो रखा है कि भाई इनको इतनी जल्दी कुछ भी नहीं होता। बट भाई जब मुझे मैंने जैक को पूछा ना कि ये प्लेन कैसा, भाई ये प्लेन को तो कुछ भी नहीं हो सकता, वो कह रहा एक मौके को उस हेलीकॉप्टर को कुछ हो सकता है। अरे नहीं भाई वो बंदा मिसाइल मार रहा है। एक सेकंड ये कौन आ गया यहाँ पर, एक सेकंड ओ भाई भाई ये तो सेम टू सेम प्लेन लग रहा है मुझे यहाँ पर। एक सेकंड अरे भाई साहब इसके जो डिटेक्ट कर रहा है ना मेरे इधर भाई वो मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है कि भाई इस हेलीकॉप्टर को कुछ ना हो जाए। बट एक सेकंड कहाँ से आ रही, अरे मिसाइल्स आई भाई, कैसे मिसाइल्स फेंक रहा है ये, रुको हम भी फेंकेंगे भाई इसके प्लेन को भी कुछ नहीं हो रहा। एक सेकेंड भाई पहले भागा तो गाइज फूट गया था, बट इस वाले को भी नहीं कुछ हो रहा मेरे हिसाब से, ये भी गाइज फुली मिसाइल प्रूफ है। और अंदर एक सेकंड अंदर तो डगन बैठा हुआ है, अरे मैंने अभी डगन को देखा अंदर, देखो गाइज डगन बैठा हुआ है। एक सेकंड डगन तेरी ऐसी की तैसी, तू कहाँ जाएगा, सामने बैठ के क्या देख रहा है,
क्या देख रहा है, क्या देखना चाह रहा है? ठोकर आएगा इस मुझे, देखो एक सेकंड, ओ भाई ठोकरने की कोशिश कर रहा है और उसका देखो पेन नीचे चला गया। ओ भाई और टक्कर का पेन नीचे पहुंच गया, तो ये भी सही है। बट एक सेकंड, मैं ना तब तक नहीं इस पेन के अंदर से निकल सकता जब तक हम लोग ना इनके सिक्योरिटी गार्ड्स को ना ख़त्म कर दें, क्योंकि जब तक इनके सिक्योरिटी गार्ड्स गाइज यहाँ पर ऐसे ही घूमते रहेंगे ना, तो ये लोग हमें आकर मार सकते हैं। क्योंकि हमने गाइस इतना कोई तगड़ा आर्मर्ड कपड़े नहीं पहन रखे, ठीक है, और इन्होंने इनके पास तो गाइस कुछ ज़्यादा ही तगड़े आ चुके हैं। क्योंकि जिस हिसाब से मुझे उसने बताया था ना मैकेनिक ने, उसने तो मुझे यही बताया कि इनके पास बहुत तगड़े ही कपड़े आ चुके हैं, जिसकी वजह से मतलब ये मर ही सकते गोली नॉर्मल गोलियों से। तो इनको तो भाई मिसाइल्स वगैरह ही लगेंगी, और हम मिसाइल्स वगैरह लेकर भी आ चुके हैं। बस मैं मतलब आराम आराम से ना इन सबको मारे जा रहा हूँ बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक सेकंड इसको भी उड़ा हूँ, चल तेरी, रुक 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 रुक, अरे 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 एम लग नहीं रहा, मुझे थोड़ा ऊपर लेके जाना पड़ेगा। और ये देखो ढक्कर का गाइस पेन कैसे पड़ा हुआ है यहाँ पर। अरे चल तेरी, ज़्यादा भाग रहा था, ज़्यादा भाग रहा। और एक सेकंड, ओहो भाई क्या कर रहा है यार, तो क्या करना चाह रहा है? एक सेकंड, मुझे यहाँ पे ना आराम से निकलना पड़ेगा। एक तो उसने अपना भाई चेक ने गलती से रखता उसका पेन सीधा कर दिया, बट उसका पेन अभी भी शायद उड़ नहीं रहा है। अभी ना मुझे धीरे धीरे करके ना सबको पहले ख़त्म करना पड़ेगा, फिर ढक्कन को पकड़ना पड़ेगा। अब मुझे पता नहीं कि वो राइट नाउ है कहाँ, क्योंकि वो प्लेन लेकर ना भाग गया था। एंड एक सेकेंड, ये खड़ा हुआ ढक्कन भाई मुझे अभी दिखा, ये प्लेन लेकर तो कैसे बंदा भाग गया था। बट ये देखो, ये एक मिनट रुको 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 रुको, मुझे पहले ना इनके ये बंदों को ख़त्म कर दूँ। एक तो इनके इतने तो बंदे, ओहो वो देखो कैसे वो उस टंकी के ऊपर खड़ा होकर हमें देख रहा है। एक सेकंड, ओहो अरे अरे भाई सामने आ गए। भाई मैं रिस्क नहीं लेना चाहता कि भाई कोई दिक्कत आए यहाँ पर। ए लेट्स गो भाई, वहाँ वाला बंदा तो गया, एक रोड पर भी है वो भी गया। ए तू भी जा, तू कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है? एक तो ये इसकी मिसाइल से निकल जा जल्दी से ना। ओले एक और गया, एक मिनट थोड़ा ऊपर करूँ मैं। ले ले ले, तू भी कहाँ जाएगा? ए रुक जा रुक जा रुक जाओ, लेट्स गो, एक और गया। ए एक और जाएगा अभी, एक सेकंड इस वाले को भी मैं मार दूँ। भाई किधर जा रहा है ये, किधर जा रहा है, किधर जाएगा भाई तू, तो किधर जाएगा? अब कितने बचे हैं मुझे बिल्कुल भी नहीं इस चीज़ का आइडिया यहाँ पर। अभी एक तो वो रहा, ठीक है वो उड़ा दिया हमने, ठीक है एक इधर है, ठीक है अभी इसको भी उड़ा देते हैं फटाफट से। लेट्स गो, एंड अभी ना हमें जाकर यार देखना पड़ेगा कि अभी कितने बंदे बचे हैं, फिर उसी हिसाब से ना हम लोग ना गाइस उतरेंगे इस प्लेन से। एंड टकर को गाइस पकड़ करना, गाइस मार ही देंगे एक तरह। तो भाई फटाफट से कुछ हाथ में आ जाए वो बंदा, है कहाँ पर यार? एक तो और बंदे नीचे दिख रहे हैं ऑलरेडी, नीचे गाइस और बंदे भी हैं। मुझे थोड़ा प्लेन करना उस साइड को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि एंगल इस प्लेन में बन नहीं रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बड़ा प्लेन है ये वाला। एंड लेट्स गो, वो बन गया गाइस एम अपना। भाई यहाँ से मारेंगे फटाफट से, जो मरा नहीं लगता वो बंदा अभी भी, बट स्टिल वी हैव टू डू इट वन सेकेंड। अरे यार चल 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 तेरी चल भाई, एक तो ना उड़ 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 पीछे हो पीछे हो पीछे हो, मुझे ना थोड़ा इसको पीछे को ही लेकर जाना पड़ेगा। ऐसे नहीं बन रहेगा इस बात इसकी, वन सेकेंड ऐसे घुमा दिया ना हमने। अब फटाफट से गाइस हम मारते हैं उसको, लेट्स गो। यहाँ पर देखो उसने डायरेक्ट कर दिया उस बंदे को, एंड नीचे भी कर दिया है। एक सेकेंड, ये लो गाइस मोस्ट ऑफ द बंदे हमने गाइस यहाँ पर मोस्ट ऑफ द बंदे क्या सभी के सभी मेरे हिसाब से तो मैंने मार ही दिए हैं। जीता था गाइस मुझे लगता है ना मैंने मार दिया। और जैक कहाँ पर है? एक सेकेंड गाइस मुझे, अच्छा जैक वो रहा, उसने अपना हेलीकॉप्टर ले रखा है और वो यहाँ से मिसाइल वगैरह मार रहा है। और एक सेकंड, ये रहे घर पे बंदे खड़े हुए हैं। रुको 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 रुको, इन सबको मार देते हैं, निकल जा मिसाइल। भाई निकलती नहीं है ना, एक तो इसकी मिसाइल ना जल्दी उठ जा। चलो गाइस फाइनली मेरे हिसाब से तो हमने मोस्ट ऑफ द बंदे यहाँ पर मार दिए हैं, लेट्स गो। अभी यार मैं जैक को कॉल दे देता हूँ कि फटाफट से ना तू उतर जा और तू नीचे को आ जा। अब देखते ढक्कन किधर को है, ढक्कन भाग ना गया उस प्लेन के अंदर बैठ के। अब मुझे वो सीन नहीं चाहिए बिल्कुल भी यहाँ पर। ढक्कन भाई भागा ना हो, बस आ गए आ गए आ गए। थोड़ी बहुत गोलियाँ देखो यार मुझे लग गई थी, क्योंकि पीछे वाला डोर ओपन था, तो कोई नहीं आर्मर तो हमने पहन ही रखा था, इतना कुछ नहीं होता। बट लेट्स गो, अभी यार वो हेलीकॉप्टर लेकर आ चुका है और वे मिसाइल्स मार रहा है। मुझे देखना पड़ेगा कि ढक्कन किधर को है। ढक्कन 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 ढक्कन
वेयर इज डगन, डगन दिख जाना एक बार मुझे, फिर हमें पता लगेगा, क्योंकि अभी तक ना वो उस टंकी के ऊपर ही था। टंकी के उधर जाकर चेक कर सकते हैं हम तो, कि उस टंकी के उधर ना हो। अगर वो उधर ना, अगर उधर होगा ना तो वही हमें पता। अरे अरे, इसका बंदा ये खड़ा। एक सेकंड, मुझे अपनी गन निकालनी पड़ेगी यहाँ पर अभी ना, फटाफट से ना मुझे देखना पड़ेगा। गन तो नहीं, वैसे तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना, यहाँ पे एक ग्रेनेड ही फेंक देता हूँ ना। एक सेकंड, ये चल तेरी, क्या देख रहा है यहाँ पे खड़ा, लेट्स गो। और एक सेकंड, यहाँ पर लगता है जैक ने एक मिसाइल भी मारी और वो भी देखो मर चुका है। ऑल राइट, यहाँ पे हमने गन निकाल रही है। अब मुझे यहाँ पर देखना पड़ेगा कि ढक्कन, देखो यार इस टंकी के ऊपर तो अभी है नहीं, ठीक है, तो मुझे इन शेड्स के अंदर जाकर ही देखना पड़ेगा अगर ढक्कन यहाँ पर हो, क्योंकि इसका पेन तो कहीं हाईवे पे अटक गया था ना मेरे हिसाब से तो। बट लेट्स सी, अभी यहाँ पर देखे तो सही, मुझे पता नहीं है कि ये किस साइड को है। इसके अंदर तो नहीं है, नहीं इसके अंदर भी नहीं है। अरे है तो है कहाँ पर, ये नहीं मुझे बिल्कुल भी समझ आ रही। लगता है जो हम का एक फ़ोन बूथ अपना लेकर आए थे, वो आप सभी को एक चीज़ दिखाई देता हूँ। मैं सही बताऊँ ना, एक तरह का माइक ही समझो, ठीक है। अब वो माइक आप सभी को मैं दिखाता हूँ, एंड उसी माइक से लगता है उसको बुलाना पड़ेगा अभी बाहर, ठीक है भाई। वो माइक निकालो जरा हेलीकॉप्टर के अंदर से। सो गाइस, यहाँ पर गाइस हमने अपना मेगाफोन गाइस यहाँ पर निकाल दिया है, एंड अब फटाफट से ना हमें बुलाना पड़ेगा। ओए डगन, अगर तुझे मेरी आवाज़ आ रही है ना तो फटाफट से बाहर आ जा, नहीं तो फिर तुझे पता ही है कि तेरा हाल क्या होगा। अगर तेरी मतलब तुझे समझ आता है कि भाई तू बाहर आ सकता है तो तेरी इसी में भलाई होगी। घर के अंदर जाकर देखते हैं, लेट्स गो। अरे रुक जा, मुझे ही ना मार दियो गाइस, पता लगे मुझे ही मिसाइल ना मार दे ये। बट एक सेकंड, अभी ना फटाफट से ढक्कन को ढूंढना पड़ेगा। ढक्कन के बच्चे कहाँ है तू, फटाफट से बाहर आ। एक तो ना इसके घर के अंदर देखो कैसे बंदे डर के बैठे, मार इन सबको, मार इन सबको। मैं बाहर आ गया हूँ गाइस, ये सबको ना मार दे जो भी अंदर है इसके घर के। क्या पता गाइस सिक्योरिटी गार्ड्स भी हो, कोई भरोसा नहीं है इस चीज़ का। मुझे स्टोर से देखना पड़ेगा, इस स्टोर के अंदर तो नहीं है कोई ना, इस स्टोर के अंदर तो गाइस कोई भी नहीं है। बट लेट्स सी, यहाँ पर हमें बस कोई दिक्कत बिल्कुल भी ना। और एक सेकंड, जी ग्रेनेड कहाँ से आया, अच्छा इसी ने फेंका होगा मुझे मारने के लिए, क्यों फेंक रहा है, डरा रहा है ये बंदा मुझे भी। बट एक सेकंड, और इसका सिक्योरिटी गार्ड ये रहा, एक सेकंड, यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड है ना, रुको ये। अरे अरे बम मेरे ऊपर आ गया, छिप छिप छिप, अरे गंदा सीन हो गया, ओ बच गया था मैं। रुक तेरी, कहाँ खड़ा हुआ वहाँ पे है, क्या खड़ा हुआ है, क्या खड़ा हुआ है गाइस, मेरे हिसाब से मर चुका है वो फाइनली। एक तो ये भी पड़ा हुआ है, बस 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 बस, रुक जा, अपना मैं अपना मेगाफोन यहाँ से उठा देता हूँ जो मैंने यहाँ पे फेंक दिया था। फाइनली गाइस, अब मैंने ना मेगाफोन अपना उठा लिया, एंड अभी हमें देखना पड़ेगा कि ये है तो है कहाँ पर। और एक सेकंड, उसको मार, वो सामने देख खड़ा हुआ है, सामने देख कैसे खड़ा हुआ है, सिक्योरिटी गार्ड इसका, देख सामने ये खड़ा हुआ है, बस उड़ा दे इसको भी। अरे तेरी, ये भी गाइस फाइनली मर चुका है। अभी आराम से हमें जाना पड़ेगा, ये देखो अभी गेट्स वगैरह ना यहाँ पर खुल तो चुके ही हैं, और भाई सभी के सभी मर चुके हैं यहाँ पर है। एक तो यार यहाँ पर जगह भी नहीं है जाने की, कहाँ से जाऊँ। अरे 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 अरे, ये मिसाइल्स कहाँ से आई, अच्छा तू ही फेंक रहा है। अरे इतना मुझे मत जगा दियो घर के अंदर, मैं बाहर निकलूँगा, इस पता लगे मुझे ही जगा दिया इसने, और यहाँ पर सीन हो गया। और बाकी यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि ना यार अपना इसकी गाड़ियों के हालात कैसे हो चुके हैं। अपना वो देखो, वो खड़ा हुआ अपना प्लेन, और भाई ये पता नहीं किसकी गाड़ी ऐसी बैसी की ऐसी बची हुई है। बस चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हमें ढूंढना पड़ेगा कि ये ढक्कन का बच्चा गया तो गया कहाँ पर। ओए ढक्कन, तुझे मेरी अगर आवाज़ सुन रही है ना तो फटाफट से बाहर आ जा। अरे ये रहा, तेरी ऐसी की तैसी, किधर जा रहा है, किधर भागेगा वो, देखो कहाँ भाग रहा है वो तेरी। अरे मिसाइल्स मार रहा है, मैं पीछे हो जाऊँ भाई, पता लगे मुझे ही उड़ा। अरे भाई साहब, ये तो भाई मिसाइल से घूम रहा है, मुझे लगता है मुझे भी मिसाइल्स निकालनी पड़ेगी जो मुझे यार जैक ने दी थी। एक सेकंड, ये वाली निकाल लेता हूँ, यही वाली बढ़िया रहेगी। एक सेकंड, किधर को गया, किधर गया, अब देखे तो। अरे अरे एक सेकंड, ये रहा, रुको, मुझे थोड़ा उधर को जाना पड़ेगा। एक सेकंड, दूर जाऊँ यहाँ से, पता लगे मुझे ही उड़ा दिया भाई। फटाफट से ना मुझे भागना पड़ेगा, कोई भरोसा नहीं पीछे से फिर ना आ जाए। एक सेकंड, और यहाँ पर भी देखो ये बंदे कैसे मार रखे हैं भाई सब, और इसने गोलियाँ मारता आ रहा है, चल तेरी। एक सेकंड, कहाँ भागे। और एक सेकंड, ये कहाँ जा रहा है, ये किधर को गया। एक सेकंड, हैंड्स अप कर दे। और एक सेकंड, एमोस उठा रहा था यहाँ से, हैंड्स अप कर दे अपने, तू अब तू बचेगा नहीं, हाथ ऊपर कर। और भाई अपना जैक ने यहाँ पे आग बुझा रहा है, आग बुझा, तू हाथ ऊपर कर अपने।
हाथ ऊपर कर तू भाई, ज्यादा बनता है, है? हैंडशेक करता है मेरे साथ, हैंडशेक करने की कोशिश कर रहा है, हैंडशेक करूंगा तुझे लगता है कि हैंडशेक करूंगा तेरे साथ मैं, है? ज्यादा बनता है। अब गाइज फाइनली ना ढक्कन हमारे हाथ में आ चुका है, आ जा आ जा, अब बाहर आ जा, आ जा आ जा, आ जा इधर आ जा, कहाँ क्या कर रहा है वहाँ पे खड़ा, इधर आना, आ रहा कि नहीं आ रहा, नहीं तो मारूँ तुझे मैं गोली, चल चल आ जा आ जा। अब गाइज हमने फाइनली ना पकड़ लिया ढक्कन को, एक मिनट इसके ना क्या तेरी, कहाँ भागेगा है, कहाँ भागेगा, किधर को गया, किधर को गया, ये कहाँ छुप रहा है, इधर चल आ जा, मैं गोली मार दूंगा, इधर आ जा, इधर आ जा, चल तेरी, ओ गोली निकालता, चल तेरी, रुक रुक तेरी, रुक तेरी, टेजर मार दी हमने इसको, टेजर मार दी, तब भी नहीं गाइज मानता, एक सेकंड है, हटता नहीं है, रुक, सॉरी 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 जैक, सॉरी जैक, इसको मार रहा था, अब जैक यार इसको ना तू उठा ही दे। चलो गाइज अभी ना फाइनली हमने डगन को ना उठा लिया है, एंड हम लोग ना फटाफट से ना अपने प्लेन्स में बैठ जाते हैं, तू ना यार इसको ना मेरे प्लेन में बिठा दे, देन तू अपना हेलीकॉप्टर लेकर यहाँ से निकल जाइयो, इधर आ जा, इधर ये रहा, इधर मेरा खड़ा प्लेन, गाइज अभी ना इसको हम प्लेन में बिठा देते हैं पीछे वाले में, अपने पीछे वाले कैबिन के अंदर, तो वही बढ़िया रहेगा, नहीं तो यार आगे मेरे साथ बैठेगा ना, अगर उड़ गए छेड़ा छाड़ी ना करने वक्त जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अभी ना इसके हम हाथ वगैरह बांध करना गाइज, इसी के अंदर रख देते हैं, ठीक है, एंड देन गाइज यहाँ से ना फटाफट से ना इसको लेकर चलते हैं, देखते हैं गाइज जैक यार हमें कहाँ पर लेके जाएगा, या तो यार एक सेकंड जैक मुझे ये बता तू लेकर कहाँ जाने वाला है भाई, हम अपने इसको घर पे थोड़ी रख सकते हैं, ये तो बता मुझे कहाँ पे रखेंगे हम इसको, ना मेरे पास अभी कोई लोकेशन है, क्योंकि मेरी लोकेशन सारी वगैरह सीज हो रखी है अभी के लिए, तो तू ही बता कि क्या करना है यहाँ पर। सो गाइज यहाँ पर गाइज अभी क्या बात हुई है ना, इन्होंने बताया कि इनकी ना सिटी के अंदर ही गाइज एक लोकेशन है जहाँ पर गाइज इनकी ना गन्स की शिपमेंट्स वगैरह आती रहती हैं, क्योंकि गाइज इनका भी गाइज गन्स का मतलब कारोबार है, तो सही बताओ ना, कह रहा कि वहीं पर एक वहीं पर हम इसको रख सकते हैं छुपा कर, क्योंकि घर पर नहीं रख सकते इसको, घर पर भी कोई लोकेशन नहीं, और घर पर फैमिली भी देख के इसको डर जाएगी ऐसे रखने के लिए, तो वैसे बात तो कैसे इसकी भी सही है, तो लोकेशन वो सही है, बट हम जाएंगे कैसे, ये कह रहा है कि उस लोकेशन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और ऐसा प्लेन जाएगा तो पुलिस और मतलब मिलिट्री वगैरह भी मेरे हिसाब से आ सकती है, तो कोई हमें पता नहीं है, तो हम ये कह रहा है कि इसको इसी गाड़ी में बिठा देंगे, हाँ ये सही है। तो भाई अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को ना हम कैसे, हमने कॉल तो कर ही दिए वैसे, एंड वो सिक्योरिटी गार्ड्स इसके प्लेन और वो उसको ले जाएंगे, और एक सेकंड ये बंदा कौन है, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, कहाँ भाग रहा है, एक सेकंड ये बंदा कौन था, ऊपर जाइए ऊपर जाइए ऊपर जाइए, वापस जाइए पीछे जा, ये बंदा था कौन, एक सेकंड, अरे यार ये गाड़ी का जिससे चल नहीं रही है, दो मिनट रुक, अरे तूने इसको उठा भी तो रखा, तू गाड़ी कैसे चलाएगा, उतर मैं चलाता हूँ गाड़ी, और एक सेकंड ये देखो सिक्योरिटी गार्ड इसका आ गया, एक सेकंड, चल तेरी कहाँ जा रहा है, किधर है किधर है किधर है, ए चल तेरी है कहाँ भागेगा, कहाँ भागेगा, चल तेरी है कहाँ भागेगा, चल तेरी गया, अब गया ना है, अब गया, किधर गया, अरे कहाँ उड़ गया, वो किधर को गया, अच्छा ये रहा भाई उड़ के पता नहीं किधर को चला गया था, और एक सेकंड गाड़ी के पास गई आग लग गई है, हम लोग ना गाड़ी में बैठ जाते हैं फटाफट से, ना गाड़ी में बैठ जा, एंड फिर यहाँ से हम निकलते हैं फटाफट से, लेट्स गो भाई, ये गाड़ी चलने का नाम क्यों नहीं ले रही, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही है, ये लगता गाड़ी नहीं सही है, या तो इसका टायर टूर ना पंचर हो, एक सेकंड टायर तो नहीं पंचर, नहीं टायर भी नहीं पंचर यार इसका, बट ये ड्रिफ्ट खा रही है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता ये ड्रिफ्ट क्यों खा रही है यार, हमें ना गाड़ी बदलनी पड़ेगी, मैं सही बताऊँ ना, और गोली मत चाहिए अब कोई पता नहीं, क्योंकि हम सिटी में आ चुके हैं और सिटी में पुलिस बहुत ज़्यादा होती है, और वैसे ही मैं भाई प्रिजन मतलब सही बताऊँ ना प्रिजन से एस्केप कर चुका हूँ, तो कोई पता नहीं कि वो लोग यार मुझे ढूंढने में ना लगे हों, तो यार हमें गाड़ी एक बार ना मतलब दूसरी ढूंढनी पड़ेगी, क्योंकि जिस हिसाब से आप अभी देख सकते हो ये गाड़ी तो ड्रिफ्ट ही खाई जा रही है, मुझे नहीं पता क्या हो रखा है इस गाड़ी के अंदर, एक सेकेंड यहाँ पर एक गाड़ी तो खड़ी हुई है बट सामने पुलिस स्टेशन है, नहीं 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 यहाँ पर नहीं, हमने चुरानी गाड़ी देखो एज स्पीडी का ये पुलिस स्टेशन है, लॉस सेंटोस पुलिस डिपार्टमेंट, एक सेकंड बड़ी गंदे वाली अभी ठुकनी थी बट बच गई है, अच्छे तो कोई नहीं, अभी हमें रास्ते में अगर कोई गाड़ी वगैरह मिलती है ना तो हम उसको यार फिर चुरा करना निकल जाते हैं, जो लोकेशन इसने मुझे बताई है। सो गाइज यार हम लोगों को ना गाइज यहाँ पर ना रास्ते में एक गाड़ी मिल गई थी, सही है भाई ऐसे हो भी भाई, उस गाड़ी का तो पता नहीं हमें क्या हो रहा था उस गाड़ी में, बट यार हमें एक गाड़ी मिल गई थी ना तो ये चीज़ बढ़िया है भाई, हम फाइनली ना आराम से पहुँचने वाले हैं उस लोकेशन पर, इन्होंने बताया कि यार ये पूरे भाई लॉस सैंटोस के एंड पर है लोकेशन, और हाँ भाई सामने आप सभी देख ही सकते हो कि ये डॉक्स है, तो यहीं पर ही मेरे हिसाब से ना शिपमेंट आकर ही भाई इनकी लोकेशन पर जाती होगी, एंड यहीं पर इनकी लोकेशन है,
तो गाइस अभी जो हमने मैप लगा रखा है ना वो लोकेशन तो गाइस भाई इसकी है। एक सेकंड भाई, ये लोकेशन है क्या? एक सेकंड, हमें लगता है यहीं से जाना चाहिए अंदर। ऑलराइट गाइस, ये ही लोकेशन है और ये कह भी रहा जैक कि ये ही लोकेशन है जो मतलब इनकी है अभी राइट नाउ। भाई ये भी सही है, अभी ना मैं अपनी गन खोल अंदर रख देता हूँ। लेट्स गो गाइस, अभी ना फटाफट से हम लोग अंदर चलते हैं। और एक सेकेंड भाई, इनकी सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर भी खड़े हुए हैं, ये भी सही है। चलो गाइस अभी ना फटाफट से हम लोग आगे की तरफ जाते हैं। एंड हाँ जाके यार, मुझे तो बता दे कि हमें यार इसको रखना कहाँ पर रहे। एंड यार अभी ना आप देखते हैं, ये तो मुझे बता रहा है कि ये दोनों रूम है को, एक मिनट, ये रूम कौन सा है? अरे यार ये रूम तो भाई बातचीत वाला है। कोई बढ़िया सा रूम बताना इसको जहाँ पर हम बांध के रख पाएँ। ये कौन सा रूम? अरे ये सही है, ये सही है, ये वाला रूम सही है, यहाँ से हम देख भी सकते हैं इसको। एक सेकंड, वो भी है क्या रूम? बट उसमें बेड है, इसको बेड क्यों देना? बेड नहीं देंगे इसको तो तड़पाएंगे मस्त। इधर आ जा, इधर आ जाओ गाइस। अभी ना हम लोग ना अब इसको फटाफट से ना बिठा देते हैं इस पे। एंड अब इसको पूछते हैं कि अब तुझे मेरे से क्या प्रॉब्लम है, जब हमने पीछे एक दूसरे को छोड़ दिया था और तू भाग भी गया था एक तो, मैंने और मैं भी वापस तेरे पीछे नहीं आया, तो तुझे मेरे से क्या दिक्कत है अभी? और ये तो सब कुछ क्यों कर रहा है? अब इसको तो गाइस अब पूछना तो बनता ही है। कोई दिक्कत नहीं, अभी इसको बैठाते हैं, इसको होश में लाते हैं, देन गाइस देखते हैं कि यहाँ पर अभी ये इसका क्या कहना है। और भाई मैं सही बता ना, अब इसका बहुत हो चुका है, पहले भी इसने बहुत तंगी दी हमें क्योंकि हमारे फ्रेंड को किडनैप कर लिया था। एंड इस बार भाई मुझे ही प्रिजन भिजवा दिया, मैं इसको इस बार नहीं छोड़ने वाला। अब तो गाइस ये मेरे हाथों से जाने वाला है, कोई नहीं, पहले तो इसको भाई इसको इतनी आसानी वाली मतलब ईजी वाली मौत नहीं दूंगा। मैं सही बताऊँ ना, इसको इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, मैं टॉर्चर करूंगा, तड़पाऊंगा, तड़पाने के बाद मारूंगा, सही बताऊं तब मजा आएगा। कोई नहीं, देखते हैं, चलो इससे बात वगैरह करके हम लोग। सो गाइस यार, अभी ना हम लोग गाइस ट्राई कर रहे थे इसको उठाने की, बट यार क्या सीन है ना यार, इनके पास भाई बड़ी खतरनाक गाइस मतलब यार स्टन गन थी, जो यार इसने 3 से 4 बार इसको मार दी। और इसने कहा कि थोड़ी देर तक इसका असर खत्म होगा, चाहे तुम पानी मारो चाहे जो मर्जी करो, वो उठेगा नहीं, वो अपने आप ही उठेगा। भाई कितनी खतरनाक स्टन गन है इनके पास भाई, क्योंकि इनका गाइस वेपन्स का ही तो कारोबार है इसीलिए। एंड इसने भी मुझे बताया कि आप ना मेरे पीछे पीछे आओ, एंड ये हमें ना फिर गाइस दिखाएगा अपना वेपन्स का कारोबार। भाई साहब ये भी सही है, चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी कह रहा है यहाँ से जाओ, ओके ऑलराइट आ जाओ। चलो भाई ये कैसी सी जगह है, बाकी यार पता नहीं यार ये कैसा सा एरिया है, मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ आ रही। भाई साहब यहाँ पर भी इनके 6 सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हैं। और एक सेकंड, ये कौन सा डोर है, ये कौन सा डोर है, मैं भी देख लूँ ज़रा। एक्सप्लोर करना तो बढ़िया चीज़ ही होती है। ओके यहाँ पर मेरे हिसाब से ना ये रूम्स हैं सोने के लिए, 4 बेड्स वगैरह, यहाँ पर कुछ कपड़े वगैरह। और यहाँ पर कुछ लोग इनके सिक्योरिटी गार्ड से मेरे हिसाब से ना ये ताश वगैरह खेल रहे थे। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हम आगे जाकर ना देख लेते हैं उधर कहाँ जा रहा है, उधर से तो हम आए हैं पता नहीं कहाँ जा रहा है ये भी भाई, लगता है भाई भूल ही गया इस लोकेशन को। कोई दिक्कत नहीं, और ये कौन सी लोकेशन है? अच्छा ये भी वही सेम ही है भाई, रहने मतलब रहने वाला सिस्टम ही है, ड्यूटी ड्यूटी के हिसाब से गाइस रहते होंगे, तो ये भी चलो सही है। और एक सेकंड भाई, इन गेट कितना बढ़िया खुला ये वाला, भाई साहब ये डोर कितना ही बढ़िया खुला। बाकी कह रहा कि ये हमारा यहाँ पर हैकिंग वगैरह वाला सिस्टम है, यहाँ पे हम बैठ के मीटिंग्स वगैरह करते हैं। और एक सेकंड भाई नीचे देखो ना कैसे शार्क वगैरह है, ओह भाई, और ये स्टैचू भी कितना बढ़िया लग रहा है सामने। और ये भाई ये कैसा स्टैचू है इसको देख के तो हंसी आ रही है मुझे। और यहाँ पर मेरे हिसाब से हैकिंग वगैरह चल रही है क्या, तुम हैकिंग वगैरह भी तो? अच्छा हाँ ये भी तो करते हैं भाई हैकिंग वगैरह, इन्हीं की वजह से तो गाइज हमें पता चला कि वो मैकेनिक ने ही सब कुछ करवाया था। हाँ चल चल, अब क्या कर रहा है यहाँ पे खड़ा हुआ। बाकी यहाँ पर भी हम लोग आ चुके हैं, एक सेकेंड ये कौन सा रास्ता जा रहा है इधर को, ये मेरे हिसाब से डोर क्लोज है। ओके ऑल राइट, कोई दिक्कत नहीं, ये डोर तो गाइस वगैरह क्लोज था। बाकी हम आगे जाकर अभी देख लेते हैं यार आगे क्या सिस्टम है। भाई साहब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रहा है यार ये, एक सेकेंड यहाँ पे शार्क और पीछे एक तो, ये एक सेकेंड भाई पीछे तो इनका वो है क्या कहते हैं अपना एक ऑफिस है उस साइड को। भाई साहब ये भी बढ़िया, ऑफिस भी बढ़िया लग रहा है यहाँ से देखने को। और शार्क देखो यहाँ पे इन्होंने शार्क रखी हुई है। और एक सेकेंड भाई साहब ये क्या है, इधर आई हो जैक, एक मिनट इधर आ जैक फटाफट से, ये बता ये क्या चीज़ है भाई साहब, स्केलेटन पड़ा हुआ किसी को भाई इस वक्त है, मेरे हिसाब से ना मार कर इसके अंदर रख दिया होगा। और टोपी भी पहना रखी है, और लगता है एक शार्क का ही गाइस खाना होगा। कह रहा था कि गाइस कह रहा है कि यार ये ना मतलब
इनका कोई दुश्मन था उसी को इन्होंने यहाँ पर रखा हुआ था। ये भी सही है भाई, तगड़े काम कर रहे हैं ये लोग भी। और ये कह रहा है कि ये है हमारा, मतलब जहाँ पर गन्स की सिस्टम मतलब शिपमेंट्स वगैरह आती है ना, ये वो लोकेशन है भाई साहब। ये चीज़ तो भाई बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लग रही है, सही बताऊँ तो मैं भाई साहब। यहाँ पर ना इनका काम वगैरह फुल मतलब फुली तरीके से बढ़िया तरीके से अगर इस काम सही चलता है, ये भी सही है। चलो भाई साहब ये क्या चीज़ है भाई, ये ट्रक देख रहे हो आप सभी, क्या ही खतरनाक इस ट्रक है। और भाई इसके ऊपर मिसाइल्स लगी हुई हैं, ये भी सही है भाई, मिसाइल्स लगी हुई है इसके ऊपर भाई साहब। और यहाँ पर कह रहा है कि इनके शिपमेंट्स वगैरह आ रखी हैं, और यहाँ पर बात वगैरह कर रहा है उस बंदे से। कोई नहीं, यहाँ पर देखो यार जाने की मतलब जगह तो है नहीं, ऊपर से मैं कहीं देखता हूँ कि गाइस क्या क्या आ रखा है यहाँ पे। भाई बंदे वगैरह चेक तो कर रहे हैं, एक सेकंड यहाँ से देखता हूँ ना, यहाँ से देखो आप सभी मतलब गन्स वगैरह इनके भाई कितने सारे बॉक्सेस आ रखे हैं, कितना सब कुछ हो रहा है यहाँ पर। और ये देखो ये बॉक्सेस में भी गाइस लगता है कुछ गन का ही मटेरियल आ रखा है, वो पाइप्स वगैरह गन बनाने का सिस्टम भी करते हो गए ये लोग। और वो देखो उस डब्बे के अंदर कुछ गोलियां, कुछ मतलब बहुत ज्यादा ही गोलियां पड़ी हुई हैं भाई साहब। क्या काम करते हैं भाई, गन्स का मतलब तगड़ा ही काम है। मैं क्या सोच रहा हूँ यार, हमने जो चुराई ना एक तो गन्स उस बंदे की, जो मुझे पता भी नहीं कौन था यार, सही बताऊँ ना। बट यार अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये मेरा जो फ्रेंड है ये भाई मतलब गन्स वगैरह बेचता है, तो मैं पहले भाई इसी से गन्स वगैरह लेता, मैं क्यों ही चुराता। बट चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी जो अपनी सिक्योरिटी आ रखी है ना, उनके लिए भी कैसे हमें गन्स वगैरह तो लेनी है यार। तो देखेंगे गाइज, अगर वो अगर हम उनके लिए गन्स दे पाए, वो तो वैसे ऑब्वियसली पता ले ही पाएंगे, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है कि हम नहीं दे पाएंगे। बाकी भाई गन्स तो भाई इनके पास भी तगड़ी ही है, और भाई आप सभी भी देख ही सकते हो कितना ही सामान आ रखा है। तो गाइज ये तो है कि सही है। बाकी जैक एक सेकंड यहाँ पर कुछ बता रहा है, एक सेकंड मैं गाइज इसकी बात सुन लेता हूँ, देन आप सभी को मैं बताता हूँ कि गाइज जैक क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। सो गाइज यार यहाँ पर क्या बात चल रही थी ना, यार जैक कह रहा है कि अगर तुम्हें कोई भी गन्स की नीड होगी ना तो हमें बता देना। मैंने कहा मैं भी यही सोच रहा था कि यार अभी जब मैं एक बार ना ये कोर्ट वगैरह सीन से जो भी मेरे ऊपर चार्जेस लगे हुए ना इनके सीन से एक बार ना मैं फ्री हो जाऊँ, तब गाइज मैं सही बताऊँ ना तब जाकर मैं ना अपनी सिक्योरिटी के लिए गन्स वगैरह इनसे लूंगा। बट अभी सही बताऊँ ना, अभी हमें ना कबूल भी करवाना पड़ेगा ढक्कन से कि यार ये सब कुछ ना ढक्कन ने ही किया, क्योंकि ढक्कन को हम इजीली तो मान सकते, थोड़ा बहुत टॉर्चर करेंगे उसको मनाएंगे कि यार ये सब कुछ ना मतलब ढक्कन ने ही करवाया है, और ये मतलब गवाही दे देगा। बट मैं पहले प्रिजन में पहुंच जाऊंगा और मैं अपने फ्रेंड्स को बता दूंगा, अभी तक तो मेरे फ्रेंड्स को भी नहीं पता होगा कि मैं तो बाहर आ रखा हूँ, क्योंकि वो भी तो एक हफ्ते की जेल के अंदर है अभी। तो मतलब सही बताऊँ ना अभी तो उनको भी नहीं पता कि मैं बाहर आ रखा हूँ। बट सही बताऊँ ना एक चीज, कि अगर भाई डगन मान जाता है ना मतलब उसके मतलब ये बताने के लिए कि ये सब कुछ उसी ने करवाया है, तो भाई यार मैं बच सकता हूँ तो ये तो बढ़िया रहेगा। बाकी मैं ना जैक को ही कह दूंगा कि यार तू ना डगन को लेकर ना पहुंच जाइयो मेरे लॉयर के पास, जो रॉयल फैमिली का छोटे वरिष्ठ का लॉयर है ना भाई, वो ही मेरा लॉयर है, तो भाई उसी से गाइज ये बातचीत कर लेंगे। एंड गाइज वो गवाही दे देगा कि यार ये सब कुछ टका नहीं करवाया था, ये सब कुछ माइकल का बिल्कुल भी इसमें मतलब हाथ बिल्कुल भी नहीं है। एंड प्रूफ्स वगैरह वही दे देगा कि इसी के खुद के मतलब ड्रग्स का बिजनेस है, क्योंकि आप सभी को भी पता ही है कि इसके लिए यार मुझे मजबूरी में एक टाइम पे ड्रग्स भी चुराने पड़ गए थे। बट सही बताऊँ ना यार अभी जो इसने हरकत कर दी है ना, बस यहाँ से एक बार बच जाऊँ ना देन गाइस सही रहेगा। बाकी इनका भाई जो कारोबार ये चल रहा है ना ये भी बढ़िया। एक सेकंड ये पानी यहाँ पर क्यों है, और एक सेकंड ये पानी के अंदर ये येलो येलो सा क्या है। एक सेकंड जैक भाई इधर आइयो जरा, किधर गया जैक, अरे वो रहा भाई जैक इधर आना। एक सेकंड ये पानी के अंदर है क्या भाई, मुझे ये तो बता दे पानी के अंदर क्या है और पानी यहाँ पर क्यों। एक सेकंड कह रहा मेरे पीछे आओ, एक सेकंड मैं भी आ जाता हूँ पीछे। भाई साहब ये तो बोट है गाइस, सही बताऊँ ना। एक सेकंड भाई हम इसके अंदर बैठ सकते हैं क्या, ये भाई वर्किंग तो होगी मेरे साथ, बट इसके अभी ये कह रहा है कि चाबी नहीं है। और चलो कोई दिक्कत, बट यार बोट क्यों रखी हुई है मुझे ये नहीं समझ आ रही है इसमें। सॉरी बोट कह रहा हूँ यार, सबमरीन यार। एक सेकंड, एक सेकंड ये क्या है भाई, एक सेकंड मुझे ना अपना सांस रोकना है, इसके पीछे जाना पड़ेगा भाई साहब। ये है क्या चीज़ यहाँ पर भाई साहब, ये कौन सी जगह है मुझे बिल्कुल भी नहीं इस बारे में पता है। एक सेकंड भाई ये अलग से गेट खुला, एक सेकंड पूरे, एक सेकंड मुझे भाई सांस लेनी पड़ेगी, मेरा दम घुट रहा है। ए ओके भाई ये तो एक तरह का स्केप करने का रास्ता है यार, ये चीज़ बढ़िया नहीं है। अब मैं वापस से पानी में नहीं जाने वाला भाई, मेरे तो भाई सांस रुक गई थी एक तो।
बच्चा तो कोई नहीं अभी भाई, ये चीज़ तो मैं नहीं पता चल गई है। वैसे तो इन लोगों को तो पता ही थी, बट मुझे नई चीज नई चीज़ पता चल गई कि भाई यहाँ से मैं एस्केप भी कर सकते हैं। ये पानी और सबमरीन इसलिए यहाँ पर हैं, ये भी सही है। चलो यार ये तो बढ़िया है। बाकी यार चैक से ना भी बात करते हैं कि यार वो डगन कब तक उठेगा यार। फिर डगन से हम पता तो कर पाएं कि इसने सब कुछ क्यों किया और आजकल ये हवा में ज़्यादा क्यों उड़ रहा है। तो ऑल राइट गाइज, यहाँ पर आप सभी देख ही सकते हो कि यार मैं ना ये वाला रूम नहीं देखा था मैंने, तो मैं ना इसी रूम को देखने आ रखा था यहाँ पर। बट यार अभी ना मुझे गाइज कॉल आई थी अपने क्या कहते हैं जैक की, ठीक है, और जैक कह रहा कि वो उठ चुका है तो तू आ जा। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ फटाफट से ना यार टक्कर को देखने के लिए। जब टक्कर भाई वहाँ पर कर तो कर क्या रहा है, और बाकी यहाँ पर भाई इनका काम वगैरह ना बहुत बढ़िया ही चल रहा है। सिर्फ बता रहा हूँ हैकिंग वगैरह के लिए ना सभी बंदे रख रखे हैं, और सिक्योरिटी भाई हर जगह सिक्योरिटी। भाई जो ये लोकेशन है ना, बाहर से आप लोकेशन को चेक करोगे ना तो यार क्या ही लोकेशन देखेगी आप सभी को, बट जब आप सभी अंदर आते हो तो आप सभी को भी पता लग ही गया होगा कि गाइस लोकेशन क्या ही खतरनाक है यहाँ पर। लेट्स गो गाइस, अभी ना फटाफट से ना जाकर देख लेते हम लोग कि यार वो टकन कर क्या रहा है अंदर। ये गेट खुल जाए फटाफट से, और ये बैठा हुआ ये रहा अपना चैक। बाकी ये देखो यहाँ पे उठ चुका है। हाँ भाई उठ चुका है क्या? अब गाइस मैं सही बताऊँ ना, इसकी शामत आने वाली है यहाँ पर। अभी तो गाइस इस चेयर पे बैठ रखा है, अब भाई पता नहीं कहाँ कहाँ इसको बिठाऊंगा कि मतलब क्या ही सही बताओ ना, बिठाऊंगा क्या ही, ऐसी जगह पे मारूंगा ना इसके कि भाई कहीं बैठने के लायक भी नहीं होगा सही बताओ तो। सो गाइस यार यहाँ पर ना देखो मेरी ना अभी जैक से बात हुई, मैंने कहा तू अभी बाहर जा, मैं अब इसको देखता हूँ कि अब इसका क्या करना है यहाँ पर। अभी देखो जैक तो देखो बाहर जा चुका है, अभी फटाफट से ना कुछ बढ़िया से ना मतलब चीज निकालता हूँ जिससे इसको मार पाऊँ। ये कैसा रहेगा सही बताना, ये बढ़िया रहेगा, इससे मैं मारूंगा। रुक जा बेटे, है ज्यादा बनता है ना तू, बहुत ज्यादा बनता है ना गंजे। अभी गाइस इस गंजे को ना मुझे कुछ ना करके बताना ही पड़ेगा कि हम लोग क्या चीज है। अभी देखो एक मुक्का मारा नहीं और लुढ़क गया। उठ ना, अब उठ क्यों नहीं रहा है? आंखें तो क्या जिसकी खुली थी, जानबूझ के नहीं उठ रहा कि ज्यादा मुक्का पड़ गया, कि ज्यादा तेज की पड़ गया है। अरे वैसे यार चीज तो थोड़ी है, ज्यादा तेज के ना पड़ गया, पता लगे मर ही ना क्या हो। एक मिनट मैं ना कोई बैट ही निकालू तभी उठेगा। उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? उठ रहा है कि नहीं उठ रहा गज उठ। अरे एक सेकेंड एक सेकेंड, ये इसकी बाजू अटक गई क्या, टूट गई क्या? अरे बाजू तो नहीं इसकी टूट गई, ये देखो आंखें तो खुली हुई हैं। एक मिनट उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है? उठ रहा है कि नहीं उठ रहा? अबे उठ ही नहीं रहा, क्या दिक्कत आ गई भाई? मैंने कुछ तोड़ तो नहीं दिया ना इसका? भाई मुझे लगता है कि मैंने कुछ गलत जगह पे मार दी है, क्योंकि ऐसे हिल ही नहीं रहा है। एक सेकेंड चल तेरी, हिल क्यों नहीं रहा, हिल क्यों नहीं रहा तू, हिल क्यों नहीं रहा? भाई यार एक सेकेंड, ये हिल क्यों नहीं रहा है भाई? एक मिनट भाई मुझे लगता है ना मैंने बहुत ज्यादा ही गलत जगह पे मार दिया इसको, जिसकी वजह से गाइस ये भाई मतलब मूवमेंट नहीं कर पा रहा अपनी बॉडी में। भाई साहब मैंने कोई नस नुस तो नहीं गाइस मतलब फोड़ दी इसकी? उठ रहा है कि नहीं उठ रहा? भाई यार ये उठो, उठने का नाम ही नहीं ले रहा। अरे उठो भाई, क्या दिक्कत है, उठ क्यों नहीं रहा ये? मुझे गाइस समझ नहीं आ रही ये उठ क्यों नहीं रहा है, उठता है कि नहीं उठता? उठ चल यार। एक मिनट, इसकी आंखें खुली हैं क्या? मुझे देखना पड़ेगा। आंखें तो इसकी खुली हुई है, ये तो भाई लुढ़क गया ये, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है गाइस लुढ़क गया। अब यार इसको चेक करना पड़ेगा, जा क्या एक मिनट अंदर आ, इसको चेक करते हैं अभी फटाफट से। यार गाइस यहाँ पर ना अभी अपना जो जैक है ना वो अभी डगन को देख रहा है कि भाई डगन को यहाँ पर हो क्या चुका है यार। मैं क्या ट्राई करता हूँ ना इसको CPR देने की कोशिश करता हूँ, क्या पता गाइस इसका हार्ट वगैरह चल जाए। मुझे नहीं पता भी क्या हो रहा है, इसकी आंखें तो खुली हैं बट कोई मूवमेंट कुछ भी नहीं है, और अभी मुझे तो तक लगता है ना इसका हार्ट वगैरह नहीं चल रहा। एक मिनट भाई मैं ना पहले इसको CPR देने की कोशिश करता हूँ, भाई फटाफट से ना ये उठ जाए एक बार, देन गाइस हम देखेंगे कि यार भाई ये जिंदा है या नहीं है, या हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा यहाँ पर। मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि यहाँ पर डॉक्टर की नीड पड़ने वाली है या नहीं, बट लेट्स सी। थोड़ा बहुत इसको पंप वगैरह देता हूँ इसकी चेस्ट पर, एंड गाइस देन हम देखते हैं क्या अरे उठता है या नहीं। देन अगर नहीं उठा रहा यार हमें डॉक्टर को यहाँ पर बुलाना पड़ेगा सही बताऊँ तो। चलो कोई दिक्कत नहीं, बस ट्राई तो कर ही रहा हूँ इसको उठाने की। भाई उठ जा यार,
भाई मरना नहीं चाहिए, क्योंकि इसी ने तो गाइस गवाही देनी है कोर्ट के अंदर। अगर ये ऐसे ही मर जाएगा ना, तो फिर तो गाइस हम तो भाई उम्र कैद के लिए पक्का जाने वाले हैं, ठीक है, जेल के अंदर। अब यही है, अब यही सब कुछ कर सकता है। और इससे ये भी तो अभी पता करवाना है कि यार इसके पीछे ऐसा बंदा, बड़ा बंदा कौन आ चुका है, जिसकी वजह से ज्यादा ही उछल रहा है, मेरे से लड़ रहा है। क्योंकि मेरे से तो कैसे डरने लग गया था एक टाइम पर। बट चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो यार अभी देखता हूँ इसको, यार उठाने की कोशिश कर ही रहा हूँ मैं तो। देखो यार, देखो यार, बहुत देर यार पंप देने के बाद ना बहुत मुश्किल से गाइस ये उठा है यहाँ पर। एंड गाइस मैं सही बताऊँ ना, इसके ना गाइस बहुत ज्यादा गाइस बोन्स के अंदर ना क्रैक्स आ चुके हैं, जिसकी वजह से गाइस इसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है, उठ नहीं पा रहा है। इसको कह रहा है बहुत दर्द हो रही है, मुझे बता रहा है। एंड अगर ये मर गया ना, तो यार बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो सकती है, तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। इसीलिए गाइस जैक ने ना अभी कॉल तो कर लिया है अपने एक डॉक्टर को, ठीक है, जो सिटी का बड़े डॉक्टर है ना, उसको कॉल कर लिया है। अभी ना हम इस लोकेशन पे तो देखो यार उसको बुला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि गाइस जिस हिसाब से ये लोकेशन है ना भाई, वो लोकेशन अगर उसको पता लग गई ना, तो भाई यार ये बता सकते हैं कि यहाँ पर ये सब कुछ चलता है और कुछ ना कुछ गलत हो सकता है इनके साथ भी। तो यहाँ पर हमने इसीलिए नहीं बुलाया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे गन्स वगैरह बहुत कुछ होता है, और सिक्योरिटी देख के तो ऐसे बंदा डर जाएगा, ऊपर से ऐसी लोकेशन देख के तो वैसे ही डर जाएगा डगन को देख कर। तो इससे ना डगन को हम आराम से लेके जाते हैं, ठीक है, इसको उठा देते हैं। एंड यार इसको ना फिर बाहरी जो एम्बुलेंस में जिसमें भी वो आएगा ना, देन गाइज हम उसमें ना बिठा कर रहे इसका वहीं पर चेकअप करके करके ना यहीं पर ले आएंगे। देन गाइज हम इससे ना बुलवाएंगे, प्यार से ही बुलवाएंगे, सही बताऊँ ना, कि भाई मान जा मान जा, ये वो करा, अगर मानता तो ठीक है, नहीं तो फिर यार हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। एक सेकंड, मैंने अभी नोटिस किया मैं और जैक तो कहीं सिमिलर सिमिलर से लग रहे हैं। हाँ वैसे इसका फेड करवा रहा है इसने साइड से, बढ़िया लग रहे हैं इसके कट, बट यार मैंने तो सस्ती कटिंग करवाई है ना, मेरे इतना बढ़िया मतलब गंजा नहीं लग रहा, बट वो ज़्यादा बढ़िया लग रहा है उसके लुक्स पे भी। मतलब सही बताऊँ ना, जच रहा है ये चीज़, बट ये चीज़ अभी देखनी नहीं है हमें, तो इसको उठाकर लेके जाना है। कोई नहीं जैक यार, फटाफट से ना हम इनको इसको उठाते हैं। एंड देन गाइज यार यहाँ से ना हम लोग निकलते हैं फटाफट से ना, जहाँ पर हमने अपने डॉक्टर को बुलाया है। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर देखो यार मैंने ना अभी टक्कन को ना उठा तो लिया ही है। अभी ना फटाफट से ना इसको लेकर हम चलते हैं। जैक ना जाकर ना गाड़ी में बैठ चुका है, वो गाड़ी गर्म कर रहा था, ठीक है, तो अभी फटाफट से ना इसको लेकर ना हम चलते हैं यार उस लोकेशन पर जहाँ पर यार हमने डॉक्टर को बुलाया है। अभी फटाफट से ना एक मिनट मैं गाड़ी में ना इसको बिठा दूँ, फिर गाइज हम यहाँ से निकलते हैं। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर ना देखो ये अंदर बिठा तो दिया हमने इसको डगन को, अभी फटाफट से ना हम लोग यहाँ से निकलते हैं एंड चलते सीधा उसी लोकेशन पर, ठीक है। अभी यार यहाँ से थोड़ी सी दूर जाकर हमने उसको बुलाया, ज़्यादा दूर भी नहीं, थोड़ी सी दूर है, ठीक है, रास्ता का यहीं से जाता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको पकाते हैं फटाफट से, गाइस चलते हैं उस लोकेशन पर। वो थोड़ी सी गाड़ी साइड में लगी, बट हमें क्या, ये हमारी कौन सा गाड़ी, हमने तो खुद चुराई है ये गाड़ी। ओ एक सेकंड एक सेकंड, ओ भाई इतनी भी गंदी नहीं चलानी कि भाई हमारा ही काम हो जाए, पता होगा कि हम पानी में पहुंच जाते अभी। बट चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी भगा तो ली हमने गाड़ी, फटाफट से भगाते हैं इस गाड़ी को एंड चलते हैं गाइज उस लोकेशन पर जहाँ पर हमने अपना क्या कहते हैं। सो गाइज यार अभी फटाफट से ना इस गाड़ी को ना भगाते हैं एंड चलते सीधा उस लोकेशन पर जहाँ पर हमने बुलाया है अपने डॉक्टर को। एक सेकंड, में गलत लोकेशन पर आकर दूसरे साइड से जाना था, सॉरी सॉरी सॉरी। अब यहाँ से ना फटाफट से निकल जाते हैं। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि हम लोग गाइस यहाँ पर ना पहुँचने वाले हैं उस लोकेशन पर जहाँ पर हमने गाइस बुलाया है डॉक्टर को। एंड वो लोकेशन गाइस इन्हीं लोगों की है, सही बताऊँ ना उस लोकेशन से ही भाई इन्होंने काम वगैरह अपना कारोबार स्टार्ट किया था, जो लोकेशन अभी बंद ही पड़ी है सही बताऊँ तो। बट एक सेकंड, हम पहुँच भी चुके हैं उस लोकेशन पर, लेट्स गो गाइस। ये ही है गाइस, यहाँ पर पता नहीं ये कह रहा था कि मतलब इनकी मशीन्स वगैरह मोटर पार्ट्स वगैरह कुछ बनते हैं, ठीक है, तो ये उसी की फैक्ट्री है, तो उसी के अंदर ही वैसे चेकअप वगैरह मतलब इसका करवा सकते हैं। तो लेट्स गो, मैं क्या करता हूँ ना फटाफट से, देखो मैंने यहाँ पर गाड़ी तो खड़ी कर ही दी है, अभी जैक भी फटाफट से आता है, अभी ढक्कन को ना अंदर ही रहने देते, क्योंकि ढक्कन का कोई पता नहीं है कि गाइज भाई कुछ और ही ना टूट फूट जाए, क्योंकि जिस हिसाब से इसका काम खराब हो रखा है ना, मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो इसीलिए ना हम लोग तो अभी वेट ही कर लेते हैं कि कब तक ऐसे एम्बुलेंस वाला आएगा। एंड देन गाइज हम यहाँ से फटाफट से ना इसका चेकअप वगैरह करवा देंगे। और एक सेकंड, ये आ भी चुका है यहाँ पर। ऑल राइट,
अरे अरे अरे, मैं साइड हो लगानी हो किसने गाड़ी वगैरह ना, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, मैं फटाफट से ना थोड़ा साइड हो ही जाता हूँ। एंड भाई ये कैसी गाड़ी लगाई है क्या? अरे ये तो डॉक्टर स्टीव है। अरे ये तो वो ही डॉक्टर स्टीव है जिन्होंने गाइस मेरी हॉस्पिटल में हेल्प की थी, मतलब इलाज वगैरह किया था मेरा। अरे कैसे हो डॉक्टर, कैसे हो गाइस? जिसे बात करते फटाफट से इसको बताता हूँ कि हमारे दोस्त का गाइस ऐसे ऐसे सीन हो चुका है। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर ना देखो मेरी डॉक्टर स्टीव से गाइस बात हुई है। डॉक्टर स्टीव गाइस यहाँ पर मुझे बता रहा है कि क्या हो गया, क्या दिक्कत हो गई। और मैंने हाल चाल भी पूछा, मैंने कहा यार मेरा दोस्त ना गिर गया था तो इसलिए उसके अंदर से बोन्स वगैरह टूट चुकी हैं, तो मेरा दोस्त गाड़ी में बैठा है, तो अगर आपको अंदर जाके चेकअप करना तो आप अंदर इसको ले जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई नहीं यार, वो हम देखो अभी अंदर आके आप चेक तो कर सकते हो यार अंदर। ये लोकेशन तो वैसे ये ही है, अभी मुझे उसने तो यही बताया। बाकी एक सेकेंड, ये रही वो लोकेशन। ऑल राइट, यहाँ पर हम कर सकते हैं। अरे सर ये मतलब लोकेशन पे मत जाना, ये फैक्ट्री है हमारी, काम वगैरह होता था यहाँ पे। इस बेड में उसको लिटपा कर आप काम कर सकते हो उसके साथ। कोई नहीं, आप आराम से इस पर ना उसका चेकअप वगैरह कर देना। कोई नहीं गाइज, आप अपने फटाफट ना ढक्कन को हम ले आते हैं। एंड देन गाइज इस लोकेशन पे ना वो लोग डॉक्टर वगैरह ना अपना फटाफट से ना कर देगा चेकअप। एंड डॉक्टर ने बताया कि इनके साथ एक और डॉक्टर भी आ रखा है साथ में, कि अगर कुछ ऐसी मतलब अलग दिक्कत आए जो इनको नहीं समझ आ रही तो वो डॉक्टर साथ में ही मतलब काम करवा देगा। बाकी डॉक्टर तो देखो अंदर ही बैठ रखा है गाड़ी के अंदर। कोई नहीं, चलो भाई फटाफट ना मैं ढक्कन को उठाकर अंदर ले ही जाते हैं हम लोग। सो ऑल राइट गाइज, यहाँ पर ना देखो यार मैंने ना एम्बुलेंस को ना यार ढंग से लगा दिया है भाई। तो डॉक्टर उन्हें तो देखो यार अभी अंदर चले गए थे, बट यार यहाँ पर ना एम्बुलेंस ने टेडी लगा दी थी। अगर किसी ने आना जाना होगा, जैसे इनके कहीं कहीं लोगों के ना देखो ट्रक्स वगैरह भी खड़े हुए हैं यहाँ पर, तो भाई ये रोड ब्लॉक हो जाती है, इसलिए मैंने साइड में लगा दी है। ठीक है, लगा दिया ट्रक को। अभी फटाफट से ना जाकर हम लोग ना अंदर देखते हैं कि यार क्या चल रहा है अंदर, मुझे पता करना है यार अभी मतलब कुछ हुआ कि नहीं हुआ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और डॉक्टर ऊपर से फिर से बेहोश हो गया था तो हमें इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है यहाँ पर। एक सेकेंड भाई, वो डॉक्टर किधर गया? हेलो डॉक्टर साहब, वो अपना मेन डॉक्टर किधर गया मुझे यही नहीं पता। अरे वो डॉक्टर किधर गया? वो तो अंदर ही आया था, मुझे लगता है कि वो ऊपर वगैरह वॉशरूम करने ना गया हो। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे अच्छा इधर से आ रहा है, पता नहीं गाइस कहाँ गया हुआ था साइड में। बट गज को यहाँ पर देखो डॉक्टर भी आ चुका है। अभी फटाफट से ना गाइस यहाँ पर ना ये लोग चेकअप वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर से यार टक्कर ना फिर से बेहोश हो गया था, ऊपर से इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से ना इसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही थी। कोई गाड़ी में ना ये बहुत ज़्यादा ही मतलब ये मतलब चीख रहा था, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा ही पेन हो रही थी यहाँ पर। बट चलो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो देखो हमें तो ऐसे प्रटेंड करना पड़ेगा ना इनके सामने कि ये मेरा फ्रेंड है ये वो वगैरह, और यही कर सकते हैं अभी तो। क्योंकि अगर हम ऐसा कहेंगे कि मेरे दुश्मन है ये वगैरह, तो डॉक्टर्स वगैरह ना क्या पता अलग जाके रिपोर्ट वगैरह भी कर दें। और अभी ना मुझे नहीं पता है, जिस डॉक्टर को पता है कि मैं प्रिजन से बाहर आ रखा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का बिल्कुल भी आइडिया नहीं। बट अगर ये जल्दी से जल्दी ना इसको ठीक कर देना वो ही बढ़िया रहेगा। तो यार अभी ना हम लोग क्या करते हैं, जैक यार फटाफट से ना अब यार हम दोनों निकलते हैं जब तक ना, या तो रुक 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 रुक। सो यार अभी ना मैं क्या सोच रहा हूँ ना, जैक यार तू ना इधर ही रह, मैं अकेला नहीं छोड़ के जाना चाहता, क्योंकि डगन का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता नाटक कर रहा हो। देखो मुझे तो इसने यही बोला कि इसके अंदर इंटरनल ब्लीडिंग वगैरह फीलिंग आ रही है, बट गाइस मैं सही बताऊँ ना कोई भरोसा नहीं इस डगन के बच्चे का, कि पता लगे धोखा देगा ना ऐसा भाग जाए। तो तू जैक यार तू यहीं पर ध्यान रख, मैं ज़रा ना अपने लॉयर का मिलकर आता हूँ। यार अभी ना हमें लॉयर को भी मिलकर आना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि गाइस यार अपना जो केस है ना भाई, अब ये डगन ही हमें मतलब बचा सकता है इस केस से। अगर ये हाँ बोल दे कि भाई इसी ने सब कुछ करवाया था ये ड्रग्स वगैरह का सीन, मेरा कोई भी मतलब इस चीज़ के अंदर हाथ नहीं था ना, तो भाई इससे भाई मैं बच सकता हूँ। अगर ये नहीं बोलेगा ना तो भाई उम्र कैद, मैं अंदर ही रहूँगा प्रिजन के अंदर। तो मुझे गाइस ये बिल्कुल भी सीन नहीं चाहिए, तो इसीलिए ना मैं लॉयर को जाके बता देता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे मैं निकल गया था बाहर वगैरह। देखो अभी ना लॉयर को पता है, ना मेरे फ्रेंड्स को पता है, ना ही गाइस रॉयल रॉयल फैमिली के छोटे वारिस को पता है कि मैं अभी बाहर हूँ सही बताऊँ तो। और भाई मैं सही बताऊँ ना, यहाँ से एक बार बस मैं निकल जाऊँ और लॉयर को मिल जाऊँ, सब कुछ बता दूँ ना बस यार। अब फटाफट से ना वो यार इस केस में ना मेरी हेल्प कर दे फटाफट से, और एविडेंस अगर ढूंढ सकता है तो वो ढूंढ दे, क्योंकि यार अभी ना हमें बहुत कुछ पता करवाना है डगन से कि इसने ये सब कुछ क्यों किया, और आजकल ये हवा में ज़्यादा क्यों उड़ रहा है। क्योंकि पहले तो आप सभी को भी पता ही है कि मेरे से बहुत ज़्यादा ही डरता था,
बट कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर तो हमने भगा ही दी है अपनी गाड़ी और अपना शोरूम वो रहा। एंड चलते हैं फटाफट से रॉयल फैमिली के होटल पर एंड जाकर मिलते हैं फटाफट से उस लॉयर को। देखो यार अभी ना मैं गलियों गलियों से गाड़ी को लेकर निकल रहा हूँ, क्योंकि ये गाड़ी के शीशे ना देखो काले नहीं है, और अगर किसी ने मुझे देख लिया ना सिटी के अंदर, किसी पुलिस वाले ने, किसी ने भी, तो यार सीन हो सकता है। बट जो यार रॉयल फैमिली के छोटे वारिस के होटल के अंदर पुलिस वाले हैं ना भाई, वो हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं कहने वाले। और एक सेकंड, हम पहुंच भी चुके हैं, क्योंकि यार ये तो भाई रॉयल फैमिली के पुलिस वाले हैं ना, इसीलिए वैसे है तो भाई ये भी गवर्नमेंट के ही, बट ये कुछ भी नहीं कहने वाले, क्योंकि यार ये इन्हीं के पुलिस वाले हैं, दैट्स वाई। क्योंकि उस टाइम पर भी जब भी FIB वाले भी गए इनके पास गए थे ना, मुझे जितना तक पता लगा कि इसको भी गाइज उठाने आए थे, तो तब भी गाइज यही सीन हुआ था कि भाई इन्होंने वापस भेज दिया था, और पुलिस वालों ने भी मना कर दिया था कि ऐसा कुछ नहीं है ये वो वगैरह। तो लॉयर ने भी बात कर ली थी कि वारंट वगैरह तुम्हारे पास है या नहीं, और इन्होंने कहा कि गाइज हमारे पास तो वारंट है ही नहीं, मतलब FIB वालों ने, तो फिर इनको वापस भेज दिया गया था। अब मुझे पता नहीं कि वापस आए या नहीं, मुझे जितना तक पता था ना पहले पहले ही, तब तो गाइज यही बोला गया था। बाकी हमने गाड़ी तो देखो नीचे तो खड़ी करी थी, अभी ऊपर तो देखो आ ही चुके हैं। फटाफट से ना चाकर यार मिलते हैं अपने क्या कहते हैं रॉयल फैमिली के छोटे वारिस को, एंड जाकर हमें देखना पड़ेगा कि यार हमें लॉयर कहाँ मिलेगा, क्योंकि मेरे पास अभी ना देखो फ़ोन नंबर तो उसका है नहीं, ठीक है। तो यार अभी ना जाकर फटाफट से ना देखो यार रॉयल फैमिली के छोटे वारिस से बात करते हैं, पूछते हैं कि भाई लॉयर तुम्हारा कहाँ पर है। एंड यार मैं ना लॉयर का नंबर भी देकर अभी के लिए ना रख लेता हूँ, क्योंकि यार जो मेरा फ़ोन है ना अभी यार वो ना जमा हो रखा है अपना प्रिजन के अंदर, एंड उसी के अंदर लॉयर का नंबर था। एंड अभी जो मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ वो है गाइस जैक का, वो भी ओल्ड नंबर, ठीक है मेरा नंबर नहीं है, मैं उसी का नंबर यूज़ कर रहा हूँ, तो उसके फ़ोन में तो गाइस ऑब्वियस ही बात है किसी का भी नंबर नहीं है, तो इसीलिए यार मुझे नंबर तो लेना ही पड़ेगा वैसे भी। एक सेकेंड है, हेलो, ओ पर्सनल, ओए तू इधर क्या कर रहा है? एक सेकेंड गाइस, ये यहाँ पर कैसे आ गया अपना पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड? एक मिनट, मैं फटाफट से ना इससे बात करता हूँ एंड पूछता हूँ कि तू यहाँ पर क्या कर रहा है। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर ना देखो मेरी बात हुई है अभी मेरे पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड से, एंड ये यहाँ पर ना रॉयल फैमिली के छोटे वारिस से ना गाइज बात करने आया था कि कब तक हमारे बॉस बाहर आएंगे, क्योंकि ये बहुत दिनों से गाइज परेशान थे, क्योंकि जब से मैं प्रिजन गया ना बहुत दिनों से ये परेशान है ये लोग। एंड ये लोग ना अभी हमारे पुराने घर के अंदर ही हैं, जो अपना पुराना घर रेनोवेट हो रहा है ना वहीं पे, मतलब ऐसे ही सो रहे हैं, ठीक है, मिट्टी के अंदर ही। एंड बाकी सारे के सारे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स वहीं पर ही हैं, क्योंकि अपने क्या कहते हैं जो FIB वाले थे ना, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड्स को कुछ नहीं कहा, क्योंकि यार वो ऑब्वियस ही बात है वो तो पे के ऊपर चल रहे हैं ना, तो भाई उनका क्या ही रोल होगा इस ड्रग ड्रुग की चीज़ों के अंदर। तो इसी जगह से मतलब उन्होंने इनको कुछ भी नहीं कहा है। जो अपनी नई सिक्योरिटी भी है ना वो भी अभी अपने पुराने घर पर ही हैं, एंड जो अपना नया घर है वो तो गाइस वैसे ही सीज हो रखा है। तो भाई साहब ये बहुत ज़्यादा ही टेंशन में था, पर मैंने रॉयल फैमिली के छोटे वाले से भी बात की कि अभी क्या करना है। देखो यार इन्होंने भी मुझे पूछा कि तू कैसे बाहर आ गया, मैंने कहा बस यार मेरा एक पुराना दोस्त था उसी का बेटा मुझे मिल गया था प्रिजन के अंदर, जिसकी वजह से मैं बाहर आ पाया। एंड अभी बाहर आकर मैं सबूत ही इकट्ठे कर रहा हूँ कि अगर सबूत मिल जाए जिससे मैं निर्दोष साबित हो जाऊँ सबके सामने ना, तो वो बढ़िया रहेगा। बाकी रॉयल फैमिली का छोटा वारिस कह रहा है कि भाई प्रिजन के अंदर अटेंडेंस वगैरह भी होती हैं, तो अगर वो अटेंडेंस दे कौन रहा है? बट मुझे तो गाइस अभी पता लगा कि अटेंडेंस नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो मैंने अभी ना फटाफट से ना इसको पूछा है कि तेरा लॉयर का नंबर तो मुझे फटाफट से दे, और लॉयर है कहाँ पर? तो इसने बताया वो अपने घर पर है। गाइस अभी ना मुझे यहाँ से निकलना पड़ेगा। बाकी पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड तू रहा अभी इन्हीं लोगों के टच में रहिए, तू मेरे साथ अभी मत घूम, क्योंकि यार तुझे पता है मैं भाग रखा हूँ और किसी का कोई भरोसा नहीं है कि भाई मैं अगर मैं बाहर भी निकल गया और मुझे किसी ने देख लिया ना पुलिस वाले ने FIB वालों ने, तो मैं बहुत गंदा फंस सकता हूँ, और तू भी मेरे साथ होगा तू भी फंस जाएगा। तो तू भाई बाहर ही रहा, और मैं नहीं चाहता कि तू फंसे, ठीक है तू यहीं पर इनके साथ रह, तू कहीं भी रह इन्हीं को पूछ यार। सही बताओ ना यार रॉयल फैमिली के छोटे वारिस एक चीज़ करवा दे कि यार वो जो मेरे मिट्टी वाले घर में अभी जहाँ पर काम वगैरह चल रहा है वहाँ पे कितनी मिट्टी होगी, तो तू उन वहाँ से ना इनको यहाँ पर होटल के अंदर कोई रूम दे दे अपने सिक्योरिटी गार्ड्स को, मैनेज वगैरह कर देंगे, चाहे 3-4 रूम दे दे, मतलब नीचे वगैरह भी सो जाएंगे, तो यार इतना बहुत ज़्यादा मेहरबानी हो जाएगी तेरी, बस ये काम करवा दे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर ना देखो रॉयल फैमिली का छोटे वारिस ने यही कहा है कि कोई दिक्कत नहीं, बाकी चल भाई सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं, चल मैं एक बार ना फ्री हो जाऊँ ये सब कुछ चीज़ों से ना, जो नेक्स्ट तारीख आएगी ना उसके बाद ही गाइस हम लोग फिर मिलते हैं, ठीक है, चलो भाई मिलते हैं, बाय बाय। अभी यार यहाँ से ना फटाफट से ना मैं निकल जाता हूँ यार सीधा ना अपने लॉयर के घर पर, एंड इसने मुझे एड्रेस भी दे दिया एंड फ़ोन नंबर भी दे दिया है,
मैं उसको फोन करके ना एक बार कह भी देता हूँ कि मैं ना तुझे मिलने आ रहा हूँ, और तू मुझे बता दे तू किस साइड मुझे मिलने वाला है, ठीक है? तू घर पर ही है या मतलब कहीं बाहर है? क्योंकि अभी तक तो मुझे जितना उसने मुझे बताया ना कि वो तो अभी घर पर ही है, बाकी हम कॉल करके एक बार कंफर्म भी कर दें, क्या पता हम घर पे पहुंचे और वो घर पे ना ही हो, तो हमें ये दिक्कत बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बट से तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ से ना यही वाली गाड़ी को उठाकर निकल जाता हूँ, क्योंकि यही चोरी की गाड़ी है एंड यही काम आने वाली है भाई। ये बस ये बताओ ना, अपने पास से जो अपनी गाड़ियाँ भी थी ना वो भी सब सीज हो रखी हैं, तो एक बार मैं ना ये मतलब केस एक बार जीत जाऊँ, हमारे मतलब खिलाफ मतलब कुछ ना निकले, बस सब कुछ भाई हमारा अंडर ही सब कुछ निकले कि भाई हाँ ये सब कुछ सही था ये वगैरह, कि माइकल ने कुछ भी ऐसा नहीं चीज़ की थी ना, तो ही मज़ा आएगा, तो ही हमें हमारी चीज़ें वापस मिलेंगी। नहीं तो यार गंदे वाले सीन हो जाएगा, घर भी जाएगा, गाड़ियाँ भी जाएंगी, और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। मैं ऊपर से भाई प्रिजन के अंदर रहूँगा, बाकी मेरी फैमिली मेरे फ्रेंड्स का कोई पता नहीं कि उनके साथ क्या होने वाला है। बट अच्छे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से गाड़ी भगाते हैं फटाफट से गाइज, यहाँ से निकल करना, चलते हैं सीधा लॉयर के घर की तरफ। जस्को गाइज अभी हम लोग ना गाइज पहुँचने ही वाले हैं, क्या कहते हैं उस घर की तरफ। बाकी यार अभी फटाफट से ना यहाँ पर हम एंट्री ले जाते हैं, और सामने देखो क्या बढ़िया बुगाटी जा रही है भाई, क्या ही बढ़िया लग रही है ये गाड़ी भी, ये भी सही है। और एक सेकेंड, ये इसी साइड क्यों जा रही है जिस घर में मैंने जाना है? गाइज यही वो घर है लॉयर का, एंड इस वायर के घर में ही जा रही है गाड़ी। मेरे हिसाब से कोई क्लाइंट वगैरह ना आया होगा इस, कोई पता नहीं। बाकी मैं ना अपनी गाड़ी को भी ना यहीं पे खड़ी कर देता हूँ, देख सकते पार्किंग में ले गया गाड़ी को। भाई मुझे नहीं पता ये कौन है, ऊपर से ब्लैक शीशे हैं इस गाड़ी के, मुझे बिल्कुल भी इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि भाई इसके अंदर, अरे लॉयर ही है ये तो, वाह मुझे लगा कोई और बंदा है, ये तो कोई लॉयर ही है। अरे क्या हाल है लॉयर भाई? और कैसे यहाँ पर लॉयर मुझे आते ही पूछने लग गया कि तू कैसे बाहर आ गया ये वो वगैरह। अरे यार मैं तुझे आराम से बताता हूँ, तू पहले अंदर आ जा, अंदर आ जा। घर भी फटाफट से हम अंदर ही आ चुके हैं इसके घर के अंदर, एंड जिस जिसको गाइज याद होगा ना, ये गाइज एक टाइम पे गाइज हम ये घर भी देखने आए थे, जब हमने गाइज घर लेना था ना, जब हमने मलिबू मेंशन लिया है ना, तब गाइज ये एक टाइम पे ये भी घर लेने आए थे। मेरे हिसाब से गाइज मेरे बाद गाइज इसी ने ये घर ले लिया, उससे पहले तो गाइज ये घर मतलब बिकने के ऊपर ही था, मतलब बेच रहे थे इसका घर का ओनर, तो ये भी सही है लॉयर ने घर बाय करी होगा। लॉयर के पास बुगाटी है भाई, ऊपर से सही बताओ ना टॉप का लॉयर है, ठीक है, तो वैसी बात है गाइज की बुगाटी वगैरह तो होगी इसके पास, कोई दिक्कत नहीं। अभी फटाफट से बात करते हैं, और तो बार टेंडर की तरह क्यों बन चुका भाई अभी लॉयर, मेन हमें बात करनी, मैंने दारू दूर नहीं पीनी थी बताऊँ तो। आ जाओ कोई सुकून वाली जगह पे बैठते हैं जहाँ पर मतलब कोई हमें डिस्टर्ब, वैसे डिस्टर्ब तो यहाँ पे कोई भी नहीं करने वाला हमें, तू ही बता दे भाई कहाँ जाना है यार, देखो तेरा घर है, मुझे तो कोई पता ही नहीं है किधर हम बैठ सकते हैं, मतलब बाहर नहीं बैठना है तुझे, मैं बताना तो सही बताऊँ तो, क्योंकि बाहर से अगर किसी ने हमें देख लिया ना तो भाई दिक्कत आ सकती है, तो इसीलिए हम अंदर ही बैठेंगे, और अंदर तू देख भाई कहाँ बैठना है हमने, नीचे जाना, नीचे बैठ जाते, नीचे सही रहेगा। हाँ नीचे गए, मैंने यहाँ से देखा है, क्योंकि नीचे बैठने के लिए लोकेशन है तो सही, बढ़िया नीचे आराम से बैठते हैं यहाँ पर, ठीक है यहीं पे बैठ जाते हैं। आ जा चल इधर ही बैठ के गाइस आराम से ना सुकून से ना बात कर लेते हैं इसके बारे में कि अब क्या करना है वगैरह, ठीक है? एंड इसको सब कुछ मैं बता देता हूँ कहानी कि मैं बाहर कैसे आया, और अभी मतलब मैं बाहर आके मैंने अभी तक क्या क्या कर ही दिया है, जो मतलब मेरे केस के रिलेटेड ना बहुत बढ़िया चीज़ है वैसे तो। ऑल राइट गाइज यहाँ पर देखो ना मेरी अभी बात हुई है लॉयर से, एंड लॉयर कह रहा है कि चल ठीक है ये चीज़ें तूने बहुत बढ़िया कर दी है यहाँ पर, कि मतलब हमें हमारे मतलब खिलाफ तो नहीं कुछ निकला, बट हमारे हमारे लिए मतलब एक सबूत निकल चुका है कि हमने ये सब कुछ नहीं किया, और ये इस चीज़ से बहुत ज़्यादा खुश है, बट एक चीज़ से नाराज़ बहुत है कि तुझे बाहर नहीं आना चाहिए था, अगर बाहर आया और देख तू घर पे भी मेरे आ गया सीधा, तो अगर कोई दिक्कत आई ना गंदे वाला फंस सकते हैं, तो इसलिए ये कह रहा है कि आज तेरी अटेंडेंस भी होनी है, तो तू भाई प्रिजन के अंदर क्यों नहीं है भाई? अगर अब तेरी अटेंडेंस नहीं होगी ना तो बहुत गंदे वाला फंसेगा। तो गाइस यार मैं सही बताऊँ ना, मैं शाम होने से पहले पहले ना निकल जाऊं, ठीक है, क्योंकि शाम को ही अटेंडेंस होती है इसने मुझे बताया, एंड यार मैं शाम होने से पहले पहले निकल जाता हूँ। चल भाई मिलते हैं यार, एंड एक सेकंड मैं नीचे को जा रहा था भाई, ऊपर को रास्ता, ठीक है भाई हम लोग ना मिलते हैं। एंड यार अभी मैं सही बताऊँ तो यार बहुत ज़्यादा ही अलग फील हो रहा है, वापस से मुझे प्रिजन के अंदर जाना पड़ेगा। चल ठीक है भाई मिलते हैं गाइज अभी ना, यहाँ से फटाफट से ना हम लोग चलते हैं, चल भाई गुड बाय। एंड मैं अभी फटाफट से ना अपनी गाड़ी निकालता हूँ एंड यहाँ से ना निकल जाता हूँ, ठीक है, गाड़ी को ना अपनी ये घर, ठीक है, क्योंकि भाई अटेंडेंस से पहले पहले मुझे पहुँचना है, और इसने कहा कि भाई 6:30 तेरी अटेंडेंस होगी, और तो 6:30 से पहले पहले वहाँ पर पहुँचना ही पहुँचना है, और अभी का टाइम भाई हो रहा कम से कम 3:30 का, तो यार
सही बताऊँ ना, मुझे ना अभी निकलना ही पड़ेगा यहाँ से गाड़ी को लेकर, क्योंकि यहाँ से थोड़ा आप सभी को भी पता है कि जो अपना प्रिजन है ना, थोड़ा सा तो यहाँ से दूर ही है। एंड चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे हिसाब से हम 6:30 से पहले पहले तो पहुँच ही जाएंगे, 1-2 घंटे, 1-1.5 घंटे पहले पहुँच जाएंगे। बट भाई फटाफट से पहुँचे और हमें वहाँ पर कोई इशू ना आए, बस वहाँ पर हम टनल से अंदर आराम से घुस जाएँ एंड कोई भी इशू बिल्कुल भी नहीं हमें आना चाहिए। लेट्स गो गाइस, यहाँ से फटाफट से भगाते हैं इस गाड़ी को एंड पहुँचते हैं सीधा अपने प्रिजन की तरफ। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर हम लोग गाइज पहुँचने ही वाले हैं इस प्रिजन, एंड आप सभी सामने देख सकते हो वो रहा प्रिजन। एंड फटाफट से ना इस गाड़ी को तो मैं भाई साइड में छोड़ दूंगा, क्योंकि यार ये अपनी वैसे भी गाड़ी नहीं है, ठीक है। एंड अगर किसी को पता लग गया कि ये गाड़ी मैंने चुराई है ना, दिक्कत वैसे भी आ जाएगी, तो मैं इसको सोच रहा हूँ ना ऊपर ही कहीं इधर छोड़ दूंगा। एक मिनट, टनल पहले देखूँ, टनल अपनी किधर किधर को थी मुझे यही नहीं पता। अपनी टनल ओके इस साइड में थी ना अपनी टनल, मैं देख लेता हूँ। एक हाँ गटर से ये नहीं ना, बस ये रहा, हाँ टनल ये नहीं। मैं गाड़ी को ना पता क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ फटाफट से ना, यहीं पे झाड़ियों में खड़ी कर देता हूँ ये गाड़ी, यहाँ पे सही रहेगी, ठीक है। इन झाड़ियों में मैंने गाड़ी ये खड़ी कर दी है, अभी फटाफट से ना उस टनल से ना अंदर जाते हैं, ठीक है। एंड जाकर अपनी अटेंडेंस वगैरह भी करवा देते हैं। ओहो हो, मैंने कपड़े नहीं पहन रखे, अरे यार यार मुझे ना लगता है, और हाँ एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड गाइस, मेरे जो कपड़े हैं ना वो अपने स्कॉर्पियन के घर पर ही हैं। अरे यार अब मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रही भाई, मेरे कपड़े मेरे पास नहीं है। एक सेकंड एक सेकंड, ये क्या गाइस, ये भाई चाबी लगा दी यहाँ पर, अब मैं अंदर कैसे जाऊँगा? अबे तेरी, मैं अंदर कैसे जाऊँगा अभी? ओ जी मैन गाइस, यहाँ पर अब मैं क्या करूँ? अरे यार इसने तो यहाँ पर गाइस चाबी लगा दी है, और मैं अंदर कैसे जाऊँ मुझे बिल्कुल भी नहीं गाइस यहाँ पर समझ आ रही। अरे यार सोचना पड़ेगा अभी क्या करूँ यार, 1.5 घंटा ही मेरे पास बचा है, और 1.5 घंटे में भाई अटेंडेंस होने वाली है अंदर, मुझे उससे पहले पहले निकलना पड़ेगा। एक मिनट, मैं क्या करता हूँ ना, फटाफट से ना जैक को कॉल करके कहता हूँ यार अपना कोई सिक्योरिटी गार्ड भेज दे, क्योंकि जैक तो अभी सिटी के अंदर है और उनका घर यहाँ से बस पास में ही है, 15-20 मिनट की ड्राइव पर ही है गाइज। तो यार जैक, अगर जैक को बुलाऊंगा तो वो कहाँ इतनी दूर से आएगा, उसको भी बहुत टाइम लग जाएगा, 2-3 घंटे तो वैसे ही लग जाएंगे। तो इससे अच्छा मैं क्या करता हूँ ना कि उसके सिक्योरिटी गार्ड को किसी को बुलाता हूँ कि यार वो अगर किसी जुगाड़ से मुझे हेलीकॉप्टर से या किसी चीज़ से गाइज अंदर छोड़ देना भाई बढ़िया रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। एक बार ना कॉल करके बुलाता हूँ, जैक को कॉल करता हूँ, देखते हैं कोई आइडिया वीडिया देते हैं अंदर कैसे जाएं यार, अभी मेरे पास 1.5 घंटा ही बचा है और यहाँ पर जाली लगी हुई है, मैं अंदर यहाँ से नहीं जा सकता। तो कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से कॉल कर देते हैं जैक को एंड पता कर देते हैं कि अभी हमें क्या करना चाहिए। ऑल राइट गाइज, यहाँ पर देखो मेरी जैक से बात हो गई थी, एंड जैक ने ना यार अभी मुझे बताया कि अगर तुझे अंदर जाना है ना तो एक ही तरीका है जो है हेलीकॉप्टर का, क्योंकि यार अगर हेलीकॉप्टर हवा में पूरा भेजेगा और वहाँ से मैं पैराशूट लेकर नीचे आ जाऊँगा ना, और ऐसे वे में पैराशूट खोलूँगा कि पता ही ना लगे कि कोई पैराशूट से अंदर आया ना, तो ही बढ़िया रहेगा। क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पता है कि हर साइड ये हर पिलर के अंदर ना सिक्योरिटीज़ रहती हैं, तो इसीलिए ना गाइज जैक ने ना गाइज हेलीकॉप्टर मतलब अपने सिक्योरिटी गार्ड को कह दिया कि हेलीकॉप्टर लेकर ना वहाँ पर पहुँचो प्रिजन में। एंड आप सभी देख सकते हो कि प्रिजन के साइड में यहाँ पर हेलीकॉप्टर लेकर आ भी चुका है इनका सिक्योरिटी गार्ड, भाई प्रिजन के अंदर मत ले जाइए, वो गोलियां ना मारने लग जाएं। ओके ऑल राइट गाइज, यहाँ पर ना इनका सिक्योरिटी गार्ड भी आ चुका है और मेरे कपड़े भी गाइज ये जो लेकर आ चुके हैं यहाँ पर। आप सभी देख ही सकती हो कि ये जो कपड़े हैं ना मेरे भाई प्रिजन वाले कपड़े ही हैं, कोई नहीं मैं फटाफट से ना यहाँ पर चेंज कर देता हूँ इन कपड़ों को, एंड यहाँ से फिर सीधा फटाफट से ना हम लोग अंदर चलते हैं। ऑल राइट गाइस, यहाँ पर ना मैंने चेंज तो देखो कर दिए हैं, एंड सभी वेपन्स ना मैंने यहाँ पर दे भी दिए हैं, यहाँ पर साइड में रख दिया है मैंने, और अब ना मैं यहाँ पर साइड में बैठ जाता हूँ। चल भाई सिक्योरिटी गार्ड, अब तू इतना ऊपर गए जा कि इनको दिखे ही ना कि हम इनकी साइड आ रहे हैं, और थोड़ा दूर पहले ले जा, क्योंकि कोई भरोसा नहीं यहाँ पे भाई, अलार्म ना बजा दे कि यहाँ पर कोई हेलीकॉप्टर लेके ऐसे घूम रहा है, ठीक है। क्योंकि यार प्रिजन वाले ना ऐसे ही कर देते हैं, अलार्म बजा देते हैं एंड पुलिस फोर्स आकर ना गाइस हमला करने लग जाती हैं, क्योंकि उनको शक पड़ता है कि कुछ सस्पिशियस गाइस यहाँ पर हो रहा है। बट चलो कोई दिक्कत नहीं, ये बस ऊपर को ले जाए, देन गाइस मैं यहाँ से ना फटाफट छलांग मारूंगा और ले जा ऊपर ले जा। एंड मैंने पैराशूट ना गाइस पहन लिया है, ठीक है, एंड पैराशूट पहन लूँ बस पहन लिया ना, अब यहाँ से बस थोड़ा और लेकर जाता रहा कि
कि भाई मुझे इजी रहे पैराशूट की, मतलब उसी रेंज में मैं गाइस मैं खोल पाऊँ। ठीक है, अब मेरे हिसाब से ना थोड़ा टाइम रहता है कि अब हम खोल सकते हैं, थोड़ा आगे को दे दे, थोड़ा आगे को दे दे हेलीकॉप्टर को, कि हम ना यार आराम से अंदर आ पाएँ। और लोकेशन भी ऐसे में जाना पड़ेगा जहाँ से कोई देख ही ना पाए हमें। चल, 1, 2 and 3 लेट्स गो गाइस, अभी फटाफट से ना। देखो यार, मुझे जैसे तैसे करके ना गाइस यहाँ पर जाना तो पड़ेगा, एंड आराम से भाई मुझे लोकेशन देखनी पड़ेगी कि कौन सी बेस्ट लोकेशन है जहाँ पर मैं पैराशूट अपना ना खोल पाऊँ। और एक सेकेंड यहाँ पर खोल देता हूँ आराम से ना, मैं यहाँ पर ना एक सेकेंड अपना पैराशूट खोल देता हूँ। और ये देखो भाई, फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ, थोड़ी पल्टी खा गया मैं यहाँ पर। और एक सेकेंड, यहाँ पर कोई आवाज़ आ रही? नहीं, ये मेरी नहीं, मुझे लगा कि ये मेरे लिए आवाज़ हो गई, बट यहाँ पर मेरे लिए बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है। अब मुझे गाइस यहाँ से ना रास्ता देखना पड़ेगा कि मैं नीचे कहाँ से जाऊँ यार। अगर मुझे कहीं से देख लिया ना, मैं कहीं छलांगे मारता फिर रहा हूँ तो भाई बहुत गंदा सीन हो जाएगा। बाकी हम लोग यहाँ पर आ तो चुके हैं, वो हेलीकॉप्टर लेके भी गाइस यहाँ से जा चुका है। वैसे मुझे दिख ही नहीं था, पता नहीं किधर को चला गया। ठीक है, बदलों के बीच में ना चला गया हूँ, बट मुझे यहाँ से देखना पड़ेगा। और सामने जिम वगैरह चल रहा है लोगों का, ठीक है, प्रिजनर्स का। अरे यार, मुझे देखना पड़ेगा मैं किधर से जाऊँ, समझ नहीं आ रही बिल्कुल भी। बट लेट्स सी लोकेशन कहाँ रहेगी। और थोड़ा खून मेरा देखो यहाँ पर गिर गया था। आराम से अगर मुझे निकलना है ना, मुझे जैसे तैसे करके ना क्या ही करना पड़ेगा कि अगर मैं उस छत पे भी छलांग नहीं मार पाऊँगा। मैं सही बताऊँ तो वैसे उस छत पे छलांग नहीं मार पाऊँगा, बट ट्राई करने में क्या ही जा रहा है। अगर गिर गया तो गिर गया, और क्या ही कर सकते हैं। लेट्स गो। अरे पहुँचा ही नहीं। अरे भाई बड़ा गंदा गिरा। उठ जाते हैं भाई, उठ गए हैं। अभी फटाफट से हम जाते हैं। और ये रहा गाइस वो रास्ता जहाँ से हम अंदर, मतलब एक टनल वाली रास्ता ये। अरे खुल क्यों नहीं रहा है, मुझे ये नहीं समझ आ रही। बट चलो कोई नहीं भाई, अभी के लिए ना हमें इसको नहीं देखना है। एंड यार जैक को ना मैंने ये भी बोल दिया था कि यार वो ना, अरे एक सेकंड, ये FIB वाला यहाँ पे क्या कर रहा है? ओए ये FIB वाला यहाँ पर कर रहा है। मैं ना फटाफट से ना यहाँ से निकल करना अपने ना रूम में पहुंच जाऊँ। एक तो मेरा रूम भी ना इस साइड ना, मेरा तो रूम भी दूसरी साइड है। वो देखो मेरे पीछे आ रहा है, मैं यहाँ से भागूँ, भागता भागता जाऊँगा, पता लगा मेरे पीछे ही ना आ जाए वो बंदा। एक सेकंड, उधर को चला गया मेरे हिसाब से, वो ढूंढ रहा है, पता नहीं मुझे ढूंढ रहा है क्या कर रहा है, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया। ऊपर से तो मैंने बाल भी काट दिए हैं। अरे यार, मैंने कहा सोचा था कि मैं ना विग पहन लूँगा। अब ये गाइस ये कैसे, इन लोगों को कैसे बताऊँ कि मैं बाल काट गए यार मैंने। मैं क्या करता हूँ ना, फटाफट से जाता हूँ, वहाँ पर तो जिम चल रहा है अभी। अरे यार मुझे लोकेशन ढूंढनी पड़ेगी, किधर थी वो लोकेशन। अच्छा उस साइड थी ना, उसी साइड जाना पड़ेगा मुझे अंदर। और अंदर जाकर मैं फटाफट से ना अपने ना और रूम में बैठ जाता हूँ। जब भी अटेंडेंस के टाइम आएंगे ना, तब गाइस हम यहाँ से हम निकल करना चले जाएंगे अटेंडेंस देने के लिए। बट ये रहा, मेरा इधर ही था ना यहाँ पे। हाँ भाई कैमरा ये रहा, मैं अभी अभी बहुत टाइम से मैं यहीं पर रह रहा हूँ। अभी अंदर चलता हूँ भाई, मजाक का टाइम नहीं है। मैं ना यहाँ पर बैठ तो चुका हूँ। चलो भाई अभी फटाफट से यहाँ पे बैठ जाते हैं। एंड जो बालों की बात है ना, कह दूंगा कि यहाँ पर ऑब्वियस ही बात है यार, वैसे यार बाल काटने, मतलब बाल दाढ़ी वगैरह काटने का ऑप्शन तो यहाँ पर होते हैं भाई प्रिजन के अंदर। ये तो है नहीं कि भाई बाल दाढ़ी हम नहीं काट सकते, तो कह दूंगा कि मैंने कटवा लिए, छोटे करवा लिए बाल वगैरह। और क्या ही कह सकता हूँ, क्योंकि यार मैं विग पहनना भी भूल गया था। अगर मैं विग पहन देता तो कोई दिक्कत नहीं आती, बट यहाँ पर बहाना मारना पड़ेगा, वो भी ऐसा जैसा मतलब हमें कोई दिक्कत, मतलब उसको शक ना हो रहा है। FIB वाला बाहर घूम रहा है। कोई नहीं भाई, मैं तो आराम से यहाँ पर ना थोड़ी देर के लिए ना मतलब लेट ही जाता हूँ, एंड वेट कर देते हैं कब हमारी अटेंडेंस वगैरह होगी यहाँ पर यार। और राइट, अभी ना यार बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है मेरे हिसाब से। देखो मेरे पास अभी टाइम वगैरह देखने को चीज़ तो है नहीं कि भाई अभी अटेंडेंस कब होगी। एक मिनट, सीटियाँ बज रही हैं मेरे हिसाब से ना, लोगों को बुला रहे हैं यार ये अटेंडेंस के लिए, कोई सीटियाँ मार रहा है मेरे हिसाब से। और भाई अब देखते हैं, लेट्स गो मेरे हिसाब से, अब मुझे भी जाना चाहिए यहाँ पर। गए सीटियाँ वगैरह तो ये लोग मार रहे हैं। हाँ भाई हाँ, आराम। चलो चलो अब गए फटाफट से ना हम अपने अटेंडेंस के लिए चलते हैं। एंड जाकर भाई यही पर अटेंड करता है कि हम लोग तो भाई तब से प्रिजन के अंदर ही हैं, क्योंकि भाई जिस हिसाब से गए मैं प्रिजन से निकल के और भाई 2-3 दिन बाद फिर वापस आ गया ना भाई, बहुत ही अलग सीन हो चुका है यहाँ पर कि भाई मैं वापस से प्रिजन से, मतलब भाई आया भी भाई किस अलग तरीके से ही। ऊपर से भाई प्रिजन वालों को टनल का पता चल गया, तो टनल ही बंद कर दी बाहर से। भाई साहब मुझे नहीं पता अभी क्या चल रहा है यहाँ पर प्रिजन के अंदर तो, बट चलो कोई दिक्कत नहीं। मैंने भाई जैक को तो कह दिया कि यार ये जो बंद हो रखा है ना ये प्रिजन का, ठीक है वो चीज़ करवा दे, क्योंकि देखो आ तो गए हम आसानी से,
बट यहाँ से निकलेंगे कैसे वो हमें पता नहीं। उसके जगह हमें तो यार फिर वो टनल ही गाइस काम आने वाली है ना, तो इसे यार वो टनल वगैरह को ना वो जाली जो है उसकी वो करवा दे, मतलब हटवा दे उस जाली को, तुड़वा तुड़वू दे तो ही बढ़िया रहेगा। कोई नहीं, यहाँ से ना भी फटाफट से ना हम लोग ना चलते हैं बाहर की तरफ, एंड जाकर गाइस हम देखते हैं कि भाई अटेंडेंस वगैरह कैसे हो रही है वहाँ पर। मुझे देखो बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। और वो देखो सामने गाइस बंदे वगैरह सभी के सभी खड़े हुए हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स कह रहा हूँ, प्रिजनर्स, ठीक है। अभी ना फटाफट से ना जाते हैं और अटेंडेंस वगैरह अपनी देते हैं। और वो देखो FIB का बंदा वहीं पर घूम रहा है अभी भी। वाह भाई, FIB का बंदा वहीं पर घूम रहा है। जगह भाई, जगह जगह कोई जगह है क्या? अच्छा ये जगह आगे है ना, जगह सबसे आगे गाइस मुझे जगह दे रखी है। कोई नहीं, यहीं पर खड़े हो जाते हैं हम अपना, ठीक है, आराम से यहीं पर खड़े हो जाते हैं। बाकी ये कह रहा है, एक मिनट ये क्या कह रहा है भाई, एक मिनट इसकी बात में एक मिनट सुन लूँ, देन गाइस आपसे को बताता हूँ कि ये क्या कह रहा है मुझे। यहाँ पर जो गाइस ये FIB का बंदा है ना, गाइस ये कह रहा है कि मैं ना तेरी स्पेशली गाइस अटेंडेंस देने आया हूँ यहाँ पर, कि भाई क्योंकि तू ड्रग्स के केसेस में अंदर आया ना, ये लोग की तो ये नॉर्मल भाई ये अटेंडेंस दे रही है, बट तेरी भाई मुझे स्पेशली अगर लेनी पड़ती है तो हर ट्यूजडे मैं आऊँगा तुझे देखूंगा कि भाई तू यहाँ पर क्या कर रहा है वो वगैरह, तेरी हर एक रिपोर्ट लूंगा। अगर तूने कुछ ज़्यादा गलत किया ना तो भाई लंबा ही अंदर जाएगा, और तेरा जो अभी तेरा टाइम भी दे रखा ना 1.5 महीने का, वो भी कैंसिल हो जाएगा टाइम, और तू पक्का ही गाइस जेल के अंदर रहने वाला। बट नहीं 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 मुझे ये बिल्कुल भी सीन नहीं चाहिए। कोई नहीं, यहाँ पर मेरे अटेंडेंस होने दो। एंड गाइस यहाँ पर अटेंडेंस आप सभी सामने देख सकते हो कि यहाँ पर अटेंडेंस वगैरह हो रही है, और ये भी स्पेशली यहाँ पर अटेंडेंस लेने आया है। तो सही बताओ ना आप सभी को ना ये वीडियो गाइस कैसी लगी, तो आप सभी जाकर मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर से बता देना। एंड हाँ गाइस प्लीज़ यार आप सभी ना फटाफट से ना वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इससे मुझे गाइस पता चल जाता है कि कौन कौन गाइस मतलब मेरे भाई वगैरह है ना वो मेरे वीडियोस के साथ जुड़ रहे हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो इससे ना गाइस मुझे मोटिवेशन मिलती है। एंड आप भाई मेरे से बात भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर मेरे से बात करनी है तो आप सभी जाकर ना मुझे एक बार इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ पर आप सभी मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी बात करनी होगी, आप सभी का मैं रिप्लाई ज़रूर दे दूंगा। एंड हाँ मैं वीडियोस के रिलेटेड भी गाइस अपडेट्स देते दे रहता हूँ वहाँ पर, तो आप सभी को वहाँ पर वीडियोस के रिलेटेड भी अपडेट्स देख जाएंगी, तो वहाँ पर जाकर आप सभी मुझे फॉलो कर सकते हो। और हाँ गाइस वापस से कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड वीडियो को लाइक भी कर दो, तो इससे गाइस मुझे पता ही चल जाएगा कि कितने बंदे गाइस हमारी वीडियो देखते हैं। एंड कमेंट सेक्शन में भी बता देना कि आप सभी को मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं। तो गाइस इस वीडियो का भी इतना ही, मिलते नहीं और ब्रांड वीडियो का। और हाँ भाई साहब फटाफट से ना इस वीडियो पे 600 लाइक्स का एम है, तो फटाफट से जाकर ना 600 लाइक्स करवा दो, तो भाई मुझे पता लग जाएगा कि यार आप सभी भाई मेरे पक्के वाले भाई हो। तो यार फटाफट से ना जाके 600 लाइक्स का ना एम पूरा करवा दो। एंड मिलते हैं गाइस नए और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक गाइस मेरी तरफ से सी यू अगेन।